और आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? नो सर, यस सर यस दिख रही सर, है। यस सर। दिख रही है। सो कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाली क्लास का, जो भी हम लोगों ने कर लिया था उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोग सिर्फ लीनियर वाला जो एक पॉइंट था, हम लोगों ने वो लीनियर वाला पॉइंट क्लियर किया था। ठीक है, अब जैसे मान लो, वैसे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसे मेजरली जो ध्यान दिया था लीनियर पॉलिनोमियल से पहले हम लोगों ने रूट्स और उस पर ध्यान दिया था, बट खैर वो वाला इशू सॉल्व हो चुका था। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, देखो अभी आप लोग एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हो, अभी आप लोग एक्चुअल में तो सिंगल वेरिएबल ही पढ़ रहे हो ना, लेकिन अभी आप लोग जैसे जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, 11th क्लास में आपके पास टू वेरिएबल आएगा। टू वेरिएबल जब आएगा ना, जब टू वेरिएबल आएगा तो इसका मतलब आपके पास एक्स और वाई दोनों के दोनों आ जाएंगे, और जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपके पास थ्री वेरिएबल आ जाएगा। थ्री वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब तीनों के तीन एक्सेस आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड, ये तीन एक्सेस आ जाएंगे। ये है आपका 11th में आने वाली चीज़, ये है आपके 12th में आने वाली चीज़। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात बता दूँ कि अगर बात लीनियर की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनेगी जो कि आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है, वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बनेगी सिर्फ स्ट्रेट लाइन। चाहे फिर आप, अगर आप लीनियर आप लोगों ने रख रखा है, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब है डिग्री कितनी हुआ आप लोगों की, वन हो जाए। वन ठीक है, अच्छा अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एक्चुअल में आप जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल अच्छा, इसका जो टू वेरिएबल वाला भी जो चीज होगी ना, वो आपको ना ही तो 11th में मिलेगी ना ही 12th में मिलेगी, वो एक्चुअल में जेई वाले पोर्शन में आएगी, और मतलब आपको 12th 11th में 3D में जाकर के मिल जाएगी वो, लेकिन वो तब है जब आप जेई लेवल का पढ़ेंगे तब। अब इसमें लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, सबसे पहले तो इसकी पहचान ये है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में जीरो। अब यहाँ पर एक चीज लिखी जाती है साइड में, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कोई बता सकता है क्यों लिखा जाता है, या फिर ये बस यूं ही है, एम ही लिख दिया किसी ने? जैसे क्यों? क्योंकि ए कोई क्यों? क्वाड्रेटिक क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना, और ये वेरी लीनियर गुड। हो तो यहाँ पर जाएगा। अगर सर अगर फिर वो हमारे लीनियर पास एक इक्वेशन बन बिल्कुल जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही यस बात है, अगर सर, अगर हम लोगों ने इफ ए इज इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने, देन इसके बाद असर क्या पड़ेगा, असर ये पड़ेगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये क्या बन जाएगी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यस सर। लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हम लोग बिल्कुल भी कतई नहीं सहेंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ तो हमारे पास है। अच्छा, क्या ये लिखना जरूरी है, एक और पॉइंट पूछता हूँ मैं, जैसे मान लो आपके पास ए एक्स स्क्वायर है प्लस में बी एक्स है प्लस में सी इज इक्वल टू में 0, तो क्या ये लिखना ठीक है, नो सर, नो ये सर, लिखने की जरूरत नहीं जरूरत है। नो है? सर, नो क्योंकि सर, अगर मान लो ये नो हट सर, भी गया तो टू फर्क क्या रहेगी। पड़ता है, डिग्री तो दो ही रहनी है ना, यस अगर नॉट यस सर, नेसेसरी, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं नॉट नेसेसरी। अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी और इक्वल टू में 0, अगर मान लो मैंने इसे कह दिया ये 0 है, ये नॉट नॉट इक्वल टू 0, नेसेसरी, क्या ये भी क्या हो जाएगा, नॉट नॉट नेसेसरी। नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब मतलब कि यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। लेकिन बच्चों होता क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं ध्यान से समझना, हम लोग जो एक्चुअल में कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम लोग वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे थे। जैसे कि अगर आप लोगों को लास्ट क्लास का याद हो, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू में 0, तो एक्स की वैल्यू ही निकालना तो आपकी जिंदगी का मकसद था, क्या और कोई मकसद था आपकी जिंदगी का, नो सर, यही नो मकसद था सर, तुम्हारी जिंदगी का। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या होगा, अब तुम्हारी जिंदगी का मकसद होगा कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक एक पॉइंट समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना, जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछना, बाद में पीछे कर देना। बाद में पीछे कर दूँ। अच्छा, इसे पीछे की तरफ देखना है क्या तुम्हें, यस सर, बस वही। ये स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए तो। ठीक है चलो, अब जरा देखो ठीक यहाँ पर, अब यहाँ पर हुआ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर आप लोगों को एक मेथड सीखना होगा, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड। देखो एक्चुअल में होता क्या है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को अकेला तो करना पड़ेगा, मानते हो नहीं मानते इस बात को?
परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला काम जो हमारे पास होता है बच्चों, वो होता है हमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उसको क्या बनाना होता है, वन बनाना होता है। यानी कि स्टेप वन क्या करते हैं हम लोग, स्टेप वन क्या करते हैं हम लोग, मैं एक्स की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू जनरल टर्म में मिल जाएगी, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जरा समझते हैं इस चीज़ को। अगर मान लो मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन करना है, तो बच्चों मैं क्या करूँ बताएगा कोई मुझे? डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, ए कर दो, डिवाइडेड बाय ए कर दिया मैंने। अब अगर मान लो डिवाइडेड बाय ए कर दिया, या फिर इससे पहले अगर मान लो मैं ए कॉमन निकाल लूं इसमें से, तो क्या आएगा अंदर, बी बाय ए आ जाएगा, एक्स प्लस में कितना आ जाएगा, सी बाय ए आ जाएगा, इक्वल टू में जीरो ही रहना है। अब इस ए को अगर मैं इधर की तरफ भेज भी दूं तो भी कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो एक्चुअल में तो बात वही पड़ गई है ना। अब देखो, अब यहाँ पर एक कैच है जो कि आप लोगों को समझना होगा, थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। यार जब तुम लोग ये पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? यस सर। ना, अब तुम एक बात समझो, इसको थोड़ी देर के लिए तुम एक्स मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या मिलना चाहिए, एक्स का स्क्वायर मिलना चाहिए बच्चों, पर टू होना चाहिए, यहाँ पर एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस में अब कोई एक चीज रह रही है, क्या रह रही है, बी रह रहा है कि नहीं रह रहा है ना। अब तुम्हें बनाना है इसका परफेक्ट स्क्वायर, इस तरीके की फॉर्म में लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, तुमको ये देखो ये भी मिल गया, एक्स स्क्वायर तो मिल ही गया तुमको। अच्छा, तुम में से कोई बोलेगा कि सर टू तो नहीं मिला अभी, तो तुम क्या करो, टू के लिए टू की इधर मल्टीप्लाई कर दी, और जब अगर अपनी तरफ से कभी भी मल्टीप्लाई करो अपनी पूरी जिंदगी में, तो टू से डिवाइड भी कर देना, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, एक्स स्क्वायर ये रखा एक्स, ये रखा टू, ये रखा टू, ये रखा एक्स, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बी नहीं हो जाएगा, बी नहीं हो जाएगा, ये जो बी है वो यही नहीं हो गया बच्चों, यही नहीं हो गया। तो एक बात समझो यहाँ पर, लेकिन बी का स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो तुमने क्या किया अपनी तरफ से, अगर मैं तुमसे कुछ ऐड करने, लेकिन ये लिखा क्या है बच्चों, बी क्या है तुम्हारे पास, बी है बी अपॉन में टू है ना। तो तुमने क्या किया, एक बार इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा सर, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए है ना, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर आएगा भाई, इसका पूरे का स्क्वायर करोगे ना आप, तो बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए अपॉन में फोर ए स्क्वायर आएगा। लेकिन बच्चों अपनी तरफ से तुम घर से लेकर के आए हो, ये समझ रहे हो ना, तुम घर से लेकर आए हो ये, तो घर से लेकर के आए हो तो प्लस भी करोगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ा हुआ है। लेकिन तुम एक बात को समझो अगर यहाँ पर, तो तुम्हें एक बड़ी बात मजेदार बात समझ में आ जाएगी कि ये चीज और ये चीज मिलकर के क्या बना रही है, देखो जरा ध्यान से, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाय टू ए, क्या बात समझ पा रहे हो आप लोग, देखो जरा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और बी का स्क्वायर, सारे बच्चे बताओ किसी को कोई दिक्कत, नो सर। हाँ बोलो, नहीं आया, नहीं सर आपने सर जब सर ये इन टू और डिवाइड किया ना सर, उसके बाद समझ नहीं आया। अच्छा, ये यहाँ पे जब मैंने ये टू मल्टीप्लाई टू डिवाइड किया, यस सर, उसके बाद सर बस एक चीज पूछनी थी सर, जब आपने ए ए कॉमन लिया तो एक्स के नीचे भी ए होगा ऊपर भी, वो दोनों ही आप बाहर लेके चले गए, मतलब ये कॉमन वाला कैसे, दोनों नहीं होगा ना। अब देखो अगर तुम ए कॉमन निकाल भी रहे हो, तो ध्यान से सुनना, तुम इसमें से ए निकालना चाह रहे हो, तो देखो ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। अब तुम्हें पता है कि यार यहाँ पर अगर मुझे ए कॉमन निकालना है, ए कॉमन निकालने का मतलब क्या है, इधर भी ए होना चाहिए, अब इधर ए अगर तुम अपनी तरफ से रख रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ये, हाँ। भाई अगर तुम ए यहाँ पे रख रहे हो तो ए डिवाइड भी करना पड़ेगा ये, हाँ। अब तुम निकालना जरा सब में से, समझे, ठीक है। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई, फिर दूसरी बात बच्चे ये बोल रहे हैं कि बी अपॉन में टू ए लिख रहे हो सर आप, तो बी अपॉन में टू ए लिख रहे हो, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि यार देखो ऐसी टू वाली एक टर्म आती है, और यहाँ पर तुम्हें
देखो तुम्हें एक्स का स्क्वायर तो दिख रहा है, तुम्हें यहाँ एक्स का स्क्वायर दिखा, अब लेकिन एक्स वाली टर्म तो सिर्फ यही दिख रही है ना, इसमें थोड़ी ना कर सकते किसी बच्चे के, यार बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, प्लीज माइक बंद करो अपने, बंद कर दो माइक, ठीक है। अब सुनो जरा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर बी अपॉन में ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर तो बी अपॉन में ए लिखा हो, तुम्हें एक्स तो दिख गया ना, तुम्हें ये पता है कि इसी का स्क्वायर हो रहा है, ये यहाँ पर दिख गया, तो ये कौन सी वाली फॉर्म बननी चाहिए, टू ए बी वाली फॉर्म बननी चाहिए, ए तुमको पता ही है एक्स है, बी तुम्हें टू तुम्हें दिख नहीं रहा, कहा कि मैं अपने घर से ले आऊंगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो जब तुम्हें टू दिख गया, तुम्हें एक्स दिख गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बी हो नहीं जाएगा, और बचा हुआ क्या है, बी अपॉन में टू ए ही तो बचा, अगर है ना, समझ में। अब जो तुम्हें बी बचा है, अब तुम, लेकिन तुम्हें एक्चुअल में बी का स्क्वायर भी चाहिए होता है यहाँ पर, तुम्हें अब बी तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन तुम्हें बी का स्क्वायर भी चाहिए, तो जो तुमने बी को आइडेंटिफाई किया है उसी का स्क्वायर एक बार तुमने प्लस कर दिया, उसी का स्क्वायर एक बार तुमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, देखो ये मिलकर के ये बना रहे हैं, देखो बीच में क्योंकि प्लस का, टू के साथ प्लस का साइन आ रहा है, आप क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस में बी अपॉन में टू ए का क्या बना दिया, ये होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, एवरीवन सारे बच्चे बताएंगे, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। अब बचा कितना है, yes, बचा है तुम्हारे पास सी अपॉन में ए माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए का स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। अब yes, तुम्हें, तुम प्लस माइनस कब करते हो बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, क्या यहाँ डिनोमिनेटर इसमें और इसमें सेम दिख रहा है आपको, नो सर, नो सर, कमी क्या है, चार की, अब चार से डिवाइड किया तो चार से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर कितने हैं, दो, दो, एक और ए से मल्टीप्लाई, फिर ए को मल्टीप्लाई किया। अब जब तुम ये उधर, क्योंकि तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये सब तुम्हें दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा, जब तुम फेंकने जाते हो तो ए ए प्लस में बी अपॉन में टू ए का होल स्क्वायर हो गया। यस हेलो, यस सर, सर बीच बीच में रुक जाती है, आ रही आवाज, यस सर, यस सर, सर आवाज तो क्लियर है पहले से ही, हेलो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब, यस सर क्लियर है, ठीक है। अब जरा सुनो, ये जो नेगेटिव वाला है उधर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सारे बच्चे बात मानते हैं मेरी, yes, और ये जो पॉजिटिव वाला है उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, ये भी बात मानते हैं, फोर ए सी हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, फोर ए का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर तो सेम ही दिख रहे हैं बच्चों, लगे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में कितना आ जाएगा, फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फोर स्क्वायर, yes, sir. है ना, yes, sir. अब यहाँ पर अब ये चीज इसके बराबर आ रही है, अब यहाँ पर तुम एक नया कदम देखोगे अब उठते हुए, अब इस नए कदम में क्या है कि भाई ये स्क्वायर जो है वो इधर की तरफ जाएगा, तो होगा क्या, एक्स प्लस में बी अपॉन में टू ए, अब ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में अंडर रूट में फोर ए का स्क्वायर, और ये क्या रहेगा बच्चों, प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि आप चाहे यहाँ पे प्लस की वैल्यू डालो चाहे माइनस की वैल्यू डालो, उसका स्क्वायर करके तो यही आएगा, तो अल्टीमेटली आप देखो अगर फोर को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, टू ए, टू ए कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, यानी टोटल के फोर का फोर कितना हो जाएगा, टू, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका मतलब अब आप देखो ये वाली चीज जो है वो दूसरी तरफ भेज सकते हो, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस किया तो वहां जाके क्या हो जाएगी सर, ऊपर वाले का कुछ नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस, किसका ऊपर वाले का नहीं होगा ना, वो उसका रूट खुल नहीं पाएगा ना, देखो वो रूट में कुछ है नहीं ना ऐसा, हाँ बीच में माइनस आ रहा है ना इसलिए। अब जरा देखो ये जो b बाय टू ए है ये दूसरी तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाय टू ए, माइनस का b बाय टू ए, और प्लस माइनस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में कितना आ रहा है, टू ए, अब डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो क्या लिख सकते हो, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आई सबके, प्लस माइनस है सर, जो भी रूट आएगा वो तो क्या आएगा,
जरा सुनो, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 लिखा है तो एक्स की वैल्यू कितनी बोलोगे? 5। प्लस माइनस 5 क्यों नहीं बोलोगे? मुझे एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर करना, माइनस 5 का स्क्वायर करो, तो फिर इसका मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, नहीं हो सकती? क्लियर है? है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज रखी है। तो इसका मतलब तो बच्चों यहाँ तक देख लो, सब लोगों को यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। एक बात सुनो, अब तुमको ये पता चला बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। पता है तुम्हें ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में तुम्हें अभी और डिटेल दे दूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम इसे डी से डिनोट कर पाए और मुझे थोड़ी आसानी रहे इसको लिखने में, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए बस इसको क्या मान के चलो, अंडर रूट में डी मान के चल लो बस। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। नो सर। है ना? अच्छा, अब तो डिस्क्रिमिनेंट वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर में समझाऊंगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना? अभी टेंशन मतलब कोई भी। हाँ बोलो सर, रूट के बाहर प्लस माइनस क्यों लगाते? रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं लगाते, ये किसने कहा तुमसे? सर मैं कह रहा हूँ क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? अच्छा, तो वो मैंने बताया ना अभी तुम्हें, एक्स स्क्वायर अगर इज इक्वल टू में 25 दे रखा है तो तुमको पता नहीं है ना बेटा एक्चुअल में, जब अब यहाँ पर तुम्हें प्लस माइनस अंडर रूट 25 बोलना पड़ेगा ना, यू डोंट नो कि यार यहाँ पर अब इसका रूट निकालोगे तो वो 5 आएगा, वो प्लस 5 रहा होगा या माइनस 5 रहा होगा तुमको नहीं पता ना? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारे पास अंडर रूट में 25 लिखा होता तब तुम डेफिनेटली इसे 5 लिखते। यस सर। क्यों लिखते? क्योंकि हाँ, क्योंकि रूट में से तो नेगेटिव नहीं आ सकता ना। यस सर, रूट पॉजिटिव है। हाँ, अब बच्चों एक बात सुनो, इसका मतलब यहाँ से दो आंसर मिल रहे हैं तुम्हें, नहीं मिल रहे? एक्स की वैल्यू जो है तुम्हें दो जवाब दे रही है, नहीं दे रही है? है ना, तो इसका मतलब एक तुम्हारे पास क्या हो गई अल्फा, एक तुम्हारे पास क्या हो गई बच्चों बीटा। भाई एक अल्फा तुम ये मान लो, माइनस का बी प्लस में अंडर रूट में डी। मोक्षिका कोई चीज समझ में ना आए तो बेटा पूछ लेना, और भी कोई बच्चा हो जो चीज समझ में ना आए पूछ लेना, आगे चल करके पीछे आने को मत बोलना, वरना अगर आगे जाओगे फिर दिक्कत आएगी तुम्हें, इसीलिए अभी के अभी जो भी चीज ना समझ में आए मुझसे अभी के अभी पूछना, ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जो अल्फा की वैल्यू आई थी, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई थी, मैंने वही वैल्यू किसको अलॉट कर दी, मैंने एक को अल्फा कह दिया और एक को क्या कह दिया बच्चों? बीटा। है ना, इसमें इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब हुआ क्या, तुमसे बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर पूछा जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बताओ कि तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आ गया ना इस तरीके से? अगर किसी को नहीं आया तो मैं एक बार तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आ गया तो भी कुछ पूछना चाहता हूँ। ये आ गया तुम्हें बनाना कि ऐसे कैसे बनाएंगे, ऐसे ये कैसे बनाएंगे? yes, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। yes, सर आ गया। सर ढंग से नहीं, ढंग से नहीं आया ना। देखो मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x + 1 ये मैंने लिखा हुआ है, बताओ जरा इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? सर डन। सर डन। ये तो बना बनाया है। Yes, sir, expression का whole square। ये तो एक्चुअल में डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, x plus 1 का whole square लिखा हुआ है। लेकिन तुम एक बात समझो, जो सॉल्व कर रहे हैं उनको उनको सुनो। देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या चाहिए था, स्टेप वन में क्या चाहिए होता है? स्टेप वन में चाहिए होता है तुमको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो तुम्हें पहले नंबर पे ही 1 दिख गया, तो तुम्हारा आधा काम तो यहीं खत्म हो गया था, ठीक है ना? अगर वो नहीं होता तो तुम्हें क्या करना पड़ता, उससे वो कॉमन बाहर निकाल लेना पड़ता, या फिर उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते। लेकिन बच्चों जब तुम्हें ये काम हो गया, फिर तुम्हें पता क्या करना होता है, तुम्हें जो एक्स वाली टर्म है, सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हम वो नंबर मिल सके हमें। क्या बोल रहे हो? अब देखो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, अब तुम लोगों के पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो यहाँ पर मैं सारी चीज इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी बेटा क्वेश्चन पूछूंगा,
तो एक्स स्क्वायर तो तुम्हारे पास ये कंफर्म हो गया। अब तुमने जब x वाली वैल्यू देखी तो उसमें से तुमने 2 को और x को बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ है 2 और x को हटा करके यहाँ पे बताओ बच्चों क्या लिखा है? सर 1 1 लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई में? बच्चों बोलो यस सर 1 लिखा है। अगर 1 लिखा हुआ है अब तुम 1 का क्या कर दो, एक बार स्क्वायर कर दो और एक बार क्या कर दो बच्चों, एक बार स्क्वायर करके प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो बच्चों माइनस कर दो। माइनस ठीक है। तो अब ये मिलकर के क्या बना देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस प्लस 1 से माइनस 1 हट गया, बात खत्म। अब जैसे मान लो मैं थोड़ा इसे और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड करने का। हाँ बोलो। अभी जो आपने जितना समझाया वो तो समझ आया, लेकिन ये भी आपने क्या बताया ये नहीं कोई बात नहीं। अभी रुको, किसी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, अभी 2 मिनट रुको बस। सर मैं दोबारा स्टेप 2 बता देना एक बार, सुनो। हाँ मैं सब बता रहा हूँ, सुनो पहले मेरी बात बच्चों। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस रुक गई। हेलो। यस सर भाई। यस सर आ रही है? यस यस सर आ रही है ना? यस सर आ रही है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि तुम्हें यहाँ बात, एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो तुम सबसे पहले निश्चिंत हो गए। फिर तुम्हें क्या करना होता है, दूसरा स्टेप मैंने क्या लिखा है, दूसरा स्टेप ये है कि जब तुम्हारे पास एक्स वाली टर्म मिले, तुम्हें दिख रही है एक्स वाली टर्म यहाँ पर बच्चों? यस सर। Yes, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि 2 को और x को आउट कर दो, 2 को और x को आउट कर दो उसमें से। तो 2 और x अगर तुमने हटा दिया बच्चों तो यहाँ क्या मिलेगा बताओगे? 1/3 तो 1/3 जो भी तुम्हें मिला है बच्चों, जो कुछ भी 2 और x को हटाने के बाद मिला है उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 1/9। इसको एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, बस काम खत्म। देखो जरा यहाँ पर प्लस में 2x डिवाइड बाय 3, 1/9, माइनस में 1/9 और प्लस में 1। अब ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे, जो भी x के साथ साइन लगा होता है बीच में हमेशा वही साइन लगाओ, x प्लस में। अब देख लो यहाँ पर किसका स्क्वायर किया है तुमने, जिसका स्क्वायर किया वो यहाँ पे लिख दो 1/3 होल स्क्वायर। देखो ये तीनों मिलकर के क्या बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, नहीं बना दिया, माइनस का 1/9 प्लस में 1। अब इक्वल टू में 0 लिखा हो ना लिखा हो कोई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, नहीं बना दिया बताओ? यस सर बना दिया। सर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? पर सर मैंने पहले वाले 2 नंबर का बना ना, उस सारे नंबर का कोई ना बना? सारे नंबर का कैसे बनाओगे? अरे सिर्फ x वाली टर्म का ही तो बनाओगे ना परफेक्ट स्क्वायर तुमने यहाँ पर भी तो। अरे एक बात बताओ, एक बात बताना जरा, यहाँ पर अभी जो तुमने यहाँ पर किया था इसका थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर बन गया था भाई, इसका थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, जिनका बन सक जो स्क्वायर की फॉर्म में थे उसी का तो बनेगा ना। yes. है ना। अच्छा एक बात और, एक और सवाल करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है उसमें से, स्टेप 2 में लिखा है कि 2 और x को बाहर निकाल लो, तो सर वो हम उसी को बाहर निकालेंगे ना सर, जो जिसके पास सर जो x की वैल्यू होगी, जब जिसमें x की पावर 1 दे रखी होगी उसी में से x और 2 को निकाल लो, चाहे 2 दे रखा हो ना दे रखा हो, लेकिन 2 और x को बाहर निकालो, और 2 और x अगर 2 नहीं दे रखा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर निकालो, नहीं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, वो बस स्टेप याद रखना, मैंने तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया है वैसे। हाँ बोल लो बेटा। सर वहाँ 3 कैसे आया डिनोमिनेटर में? अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आया, 3 कैसे आया सर 2x? ये सर ये तो मेरी मर्जी है ना यार, मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें तो सर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा यार, मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन दूं। सर ऊपर तो नहीं था किसमें यार, मुझे एक बात बताओ। चलो ठीक है, चलो चलो सुनो अब इनकी बात से कैरी ऑन करते हैं, ये अलग क्वेश्चन है ना। ओके सर मुझे तो मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं ये तो मेरा क्वेश्चन है भाई, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है मैं क्वेश्चन अलग दे रहा हूँ, तभी तो मैंने यहाँ पे एरो बनाया था। ये देखो भाई मुझे लगा सेम है। नहीं 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 देखो भाई अगला क्वेश्चन, 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। अब सिंपल सी एक बात सुनो, सबसे पहला काम बच्चों पूरे को क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो सबसे पहला काम, ठीक है भाई।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा बच्चों? वन। दोनों साइड अगर तुमने डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5/2 एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं है? अरे रुक तो जाओ। हाँ डिवाइड किया, दोनों तरफ किया है बेटा, एक मिनट। जब दोनों तरफ, जब दोनों तरफ किया होता तो थोड़ी ना करना है कुछ, बैलेंस कर दिया ना तुमने। जब देखो अगर तुमने यहाँ पर 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, अब यहाँ अकेला 4 जोड़ दो तो गलती है ना, तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ जोड़ दिया तो क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या दिक्कत है? एक तरीके से मैंने इसे यहाँ भेजोगे तो मल्टीप्लाई तो किया है इसमें, है ना? अच्छा सुनो, अब हम x का परफेक्ट स्क्वायर बना ही क्यों रहे हैं? सीख लो बेटा, काम आएगा अभी थोड़ा, अभी क्योंकि अभी आगे चल करके जब वो बनाओगे ना आप, क्या कहते हैं, डायग्राम आयग्राम बनाओगे तो काम पड़ेगा, उसको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए सिखा रहा हूँ। अब सुनो बेटा, या तो तुम लोगों ने देखो एक चीज तो करनी पड़ेगी सबको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 तुम्हें बनाना पड़ेगा। दूसरा, या तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसको, है ना भाई? यहाँ 2 तो दिख नहीं रहा एक्स वाली टर्म में, जो आप 2 पर एक्स को हटा दो, तो या तो ये काम करो, नहीं तो एक बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूँ, तुम कुछ मत करो, जो भी x के साथ लिखा है उसे 2 से डिवाइड कर दो और बाहर निकाल लो। मेरी बात ध्यान से सुनना, सब में करना पड़ेगा ना। अरे एक बात बताओ यार, तुम एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, तुम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो ठीक है, तो प्रोसीजर तो सब में सेम ही होगा ना? सर सुनो मेरी बात, सुनो पहले ध्यान से, घोच पोच मत करो इसको। तुमने एक सिंपल सा काम किया है, एक इक्वेशन दी थी तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर, मैंने तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तरीका बताया जिसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं ये चाहता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर सारे के सारे बच्चे सीख लें, क्योंकि अभी आगे जा करके क्या होगा, मैं तुमसे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तुम्हें एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए होगा, वो तभी चीज़ समझ में आएगी मैं आज अभी ये क्यों करवा रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम्हें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो मैं एक्स को कुछ एक्स के साथ प्लस माइनस हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं उसको आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बना करके दिखा दूंगा। एक्स जो है वो सिंगल टर्म में दिख जाएगा। हाँ क्या अभी आपने क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है, एक्चुअल में ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा, प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, इसे बोलते हैं हम क्या, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे? दो नंबर्स को नहीं, मतलब ये एक्स के, देखो एक्स अकेला लिखा हुआ है ना भाई, देखो अगर एक्स के साथ प्लस में यहाँ पर तुम कुछ भी लिख दो, 2ax लिख दो और प्लस में फिर यहाँ पर कोई भी एनी कॉन्स्टेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो तुम, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है बेटा और यहाँ पर भी एक्स है। अब अगर एक्स को एक ही जगह लेकर के जाना है मुझे, सिर्फ एक जगह लेकर के जाना है, तो क्या मुझे एक्स प्लस माइनस ए का क्या होल स्क्वायर नहीं बनाना पड़ेगा? तभी तो मैं बोल पाऊंगा एक्स अकेला हुआ, वरना सोचो खुद तुम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्यों निकाल पाते थे, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में 0, एक्स की वैल्यू इसलिए निकाल पाते थे क्योंकि आप एक्स को अकेला कर पाते थे। अगर आप लोग यहाँ ऐसे ही एक्स निकालने पहुंच गए तो एक्स कैसे निकालोगे, दो दो है, ये एक्स स्क्वायर भी है ये एक्स भी है, कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? सर आपने परफेक्ट स्क्वायर क्या बताया अभी जो? मैंने परफेक्ट स्क्वायर ये बताया कि एक्स प्लस माइनस ए का स्क्वायर हो गया ये। Yes, तुम थोड़ी देर के लिए ना, अच्छा एक मिनट, थोड़ी देर के लिए सब लोग बस मेरी बात का जवाब देना तो शायद तुम लोगों को थोड़ी बात समझ में आ जाए, ऐसे नहीं समझ में आएगी तुम लोगों को। देखो सुनो मेरी बात, तुम लोगों के पास ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, इसका आंसर निकालने का क्या तरीका हो सकता है? सर मिडिल स्प्लिटिंग है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल सकते हो ना तुम। तुम उसके लिए क्या कर रहे हो बच्चों, एक्स को अकेला कर रहे हो ना, तुम सिंगल सिंगल टर्म बना करके इक्वल टू 0 कर दो, है ना, एक्स को अकेला कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बताओ। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर तुम करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट भी करोगे तो इसीलिए तो कर रहे हो ताकि एक्स अकेला हो जाए। मोक्षिका, ज्योत्सना, सारे बच्चे बताएंगे यस सर। भाई तुम अगर इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट भी करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ बन गया, थोड़ी देर के लिए मान लो, तुम क्या करते हो इसको भी इक्वल टू 0 रख देंगे, इसको भी रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू एक बार माइनस 2 आ गया, एक बार x equal to में माइनस 3 आ गया, यही बोलोगे? Yes, तो अगर मान लो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट ना करूं तब मैं क्या करूं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट सबकी नहीं हो पाती बेटा।
यस सर भाई, ये लेकिन ये वाला जो तरीका है ये जनरल तरीका है, ये सब कर पाएंगे, समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, अब तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अब कैसे करूं भाई मैं इसको, मैं एक्स को एक साथ कैसे लेकर के आऊं जब तक मैं इसका ये ना बना दूं? देखो अब बताओ, अब यहां पर कोई भी कांस्टेंट लिखा रहा है, मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट को वहां फेंकूंगा, रूट को वहां फेंकूंगा, एक्स देखो अकेला रहा नहीं रहा, बताओ अब। यस अब परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत है कि नहीं है? सर है, अब नीट समझ में आया? अब बता दो सर जो आप पहले बता रहे थे, मतलब जो ये परफेक्ट स्क्वायर का x प्लस माइनस a होल, नीट समझ में आ गई उसकी? यस सर, नीट तो अब नीट समझ में आ गई तो अब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब सुनो जरा, देखो मैं बस तुमसे इतना बोल रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेप, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिया, ठीक है, अब तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन करो। उसके लिए क्या करोगे बच्चों, टू से डिवाइड करोगे, टू से डिवाइड होल इक्वेशन, टू से डिवाइड करते ही तुम्हारे पास कितना आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स बाय सिक्स। देखो भाई यहाँ भी दो करोगे, यहाँ भी दो करोगे और यहाँ भी दो करोगे, इससे तो ये दो हो जाएगा, ये छह हो जाएगा और ये दो से तो गायब हो जाएगा, तो यही चीज हुई बनेगी नहीं बनेगी? यस यस सर, है ना, जब यही चीज बननी है तो अब मैं तुम्हें एक बात और सिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होते ही तुम कुछ मत करना, बस एक्स को साथ यहाँ पे लिखो, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूं अभी, शॉर्टकट वैसे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एक्सटेंड करके एक स्टेप होता है और कुछ नहीं होता। देखो जो भी यहाँ पे लिखा है तुमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बना लिया बेटा, यहाँ बना लिया, देखो एक्स के साथ साइन क्या है बच्चों, एवरीवन प्लस, तुमने यहां लगाया क्या प्लस, ठीक है। अब जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है, सुनो जरा ध्यान से, जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे कितना मिलेगा, 5/12 और होल स्क्वायर बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर, बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब जो भी तुमने यहां पर लिखा हुआ है इसका एक बार माइनस कर दो, इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, और प्लस में टू लिखा हुआ था, ये हो गया काम। अब सुनो अब ये कैसे बना, जब तुम्हें ये समझ में आएगी ना बात तब मजा आएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये कैसे आ गया यार, इतनी जल्दी कैसे हो गया, कोई सोच रहा है? सब पता है कैसे होगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, कि कोई बच्चा कंफ्यूज? नो सर। कोई है, कोई है? यस सर। सर ये हाँ। तो पता चल गया कि सर ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ये नहीं पता चला कि सर जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कैसे आया, सर कैसे आया? ओके तो मैं बता देता हूँ कैसे आया। देखो हुआ क्या, तुम लोगों ने इस वाले को किस में कन्वर्ट किया था, इस फॉर्म में लेकर के आए थे तुम, लेके आए या नहीं लेके आए बताओ? लेके आए तुम, है ना। अब तुम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अब मैंने क्या बोला था, जब कभी भी तुम x वाली टर्म देखो उसमें से दो को और x को बाहर निकाल लो, बोला था? यस सर बोला था। तो यहाँ पर दो तो है नहीं, तो दो से क्या करोगे, मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड करोगे, तो अब दो और x को अगर हटा दोगे तो यहाँ क्या बचा, 5/12 बचा, नहीं बचा आया? यस है ना। इसी के स्क्वायर को एक बार क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर इसका स्क्वायर करो एक बार, 25 प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया, इसका भी स्क्वायर कराना, 12 का 144 होता है, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। तो अब देखो जरा ये और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक्स प्लस में 5/12 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 था ही माइनस का 25/144 इक्वल्स टू में 0। बताओ भाई समझ में आई कि नहीं आई? सर सर मुझे शॉर्टकट तो समझ में आया सर, पर वो पहले वाला ढंग से नहीं आया जो आपने पहले बताया। जो नहीं नहीं तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया नहीं आ गया ये बताओ? यस सर वो तो आ गया। अच्छा तो बस फिर पहले वाले पे मत सोचो अभी इतना सर, पहले वाला भी मैंने वही समझाया वैसे, बस तुम्हें शायद लैंग्वेज समझ नहीं आई। हाँ बोलो, समझाने का तरीका सेम है। 5/144 कहाँ गया, किसमें, प्लस वाला? यस सर। बेटा प्लस वाला ये क्या हो गया आपके पास, ये और ये और ये मिल करके क्या बन गया देखना जरा यहाँ पर। यस सर आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। अब बताओ और किसी को कोई दिक्कत बताओ बच्चों,
भाई टू और एक्स बाहर निकाल दिया, इनको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, नेग्लेक्ट करा है मैंने इनको, नेग्लेक्ट करा है, तो बचा हुआ 5/12 नहीं हुआ ये? हेलो yes. समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। यार बोलोगे नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इस जरा से कॉन्सेप्ट में सर। हाँ सर एक और क्वेश्चन इससे रूट में बोर्ड के पेपर इसी से तो निकालोगे यार आंसर तुम, बोर्ड में तो इसी का काम करोगे सर। मिडिल स्प्लिटिंग नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना है। अभी मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, अभी ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, सवाल देख करके पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो छोड़ दो सर। करेंगे? हाँ करो करो, ये वाला करो, ये कुछ भी नहीं है, इसको करना जरा ट्राई, कितना आ रहा है? X plus 5 by 2। बस हो गया जवाब, तुम्हें यहाँ पर प्लस का साइन देगा, एक्स प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, काम खत्म हो गया। जो यहाँ लिखा है इसका स्क्वायर एक बार माइनस कर दो और प्लस में 7 लो, काम खत्म। बताओ भाई समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। हाँ बोलो क्या हुआ? बट क्या? अरे बोलो बेटा, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आ गया, बताओ इसका जवाब सर। डन। बताओ कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 5/6। 5/6 x प्लस 5/6 होगा ना बेटा? यस सर 5/6। सर x का वैल्यू नहीं निकालना है पूरा? नहीं मैं अभी x का वैल्यू निकालने पे जोर नहीं दे रहा हूँ तुम्हारा, मैं सिर्फ तुमसे ये बोल रहा हूँ तुम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो भाई। अभी पता चल रहा है अभी किसी को परफेक्ट स्क्वायर में दिक्कत आ रही हो, मैं यहाँ x की वैल्यू निकलवाने लग जाऊंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। अभी नहीं, अभी कोई yes, निकालना अब सही है सर, परफेक्ट से अब आ गया ढंग से। आ गया सबको ढंग से? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो अब कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो पूरा प्रोसीजर करके मत दिखाना, जो शॉर्टकट बोला है वही करना, वरना फंस जाओगे फालतू में। एक्स स्क्वायर प्लस में जैसे मान लो 7x प्लस में 2 दे दिया किसी ने, तो बताना जरा कितने बनेगा एक बार और? सर सर एक्स प्लस 7/2 सर एक्स प्लस 7/2 और माइनस 49 माइनस 49 माइनस 49 अपॉन माइनस 49 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। ठीक है? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? सारे बच्चे बोलेंगे यार एक बार? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अब जो मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, x की वैल्यू 2 निकलती है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा को मैंने क्या बोला? माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ये बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बीटा को मैंने क्या बोला? माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, है ना? अब पता क्या होता है तुमसे, अब बड़ी मजेदार बात है ये, बड़ी बहुत मस्ती से समझ में आएगी तुम्हें, ठीक है ना? तुम एक बात बड़े आराम से देखो, क्या हुआ? डी क्या है? डी जो होता है बेटा, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसको बोलते हैं, इसका नामकरण जब किया गया तो नाम रखा गया डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट भी क्यों रखा गया वो भी मैं समझाऊंगा बाद में आगे चल के, ठीक है? समझाऊंगा, तसल्ली रखो, सब समझाऊंगा, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर समझाऊंगा ना, जब वो चीज के लिए काबिल हो जाओगे तब बताऊंगा। अब होगा क्या बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर जब तुम्हें डी समझ में आ गया, तुम्हें डी क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर डी क्लियर हो गया तुम्हें, अब तुमने क्या किया, तुमको पता चल गया दो रूट है यार, एक तो अल्फा है और एक बीटा है यार, तो सबसे पहले कहानी आती है सम ऑफ रूट। क्या पूछते हैं वो? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, तुम अगर अल्फा, अल्फा क्या है? यही तो है, और क्या है? यस सर। बीटा क्या है? यस सर यही, यही तो है, और क्या है? है ना भाई, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। यस सर। तो कितना आ जाएगा भाई? डी से डी तो कैंसिल ही हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो माइनस का डी बाय अपॉन में 2a हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दे तो कितना आ जाएगा? बी बाय माइनस बी बाय। बताओ क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत आई? नो सर। नो सर। नहीं, तो इसका मतलब बच्चों पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ तुम्हें?
तुम्हारे पास अगर लिखा हुआ है 2x² प्लस में 5x प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0, अब मैं तुमसे बोला इसके ना दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तुम कुछ मत करो, मुझे अल्फा बीटा के की वैल्यू मत बताओ, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तुम पता क्या करोगे, माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस 5/2, लो काम खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सारे बच्चों को सर परफेक्ट स्क्वायर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना? है है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। यस सर। ठीक है अच्छा मान लो ए टू एक्स है बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने भी ये बताया था, बताया था, तो अगर ए एक्स है तो फिर एक्स स्क्वायर क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उसे बोलते हैं हम ए, जो एक्स के साथ लिखा है उसे बोलते हैं बी, जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसे बोलते हैं हम सी। सर जब हमने वो किया था अभी क्या किया था, जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, अरे वो तो मैंने मान लिया था ना यार, उसमें कोई करा थोड़ी ना था, अब यहाँ पर मैं तुम्हें और क्या मान, मैंने ए भी माना था, तुम यहाँ पर एक्स वाई मान लो। सर आ गया। ठीक है अच्छा अब सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x का -7x+3, अब मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे सम ऑफ रूट बताना जरा। सर 7/3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 7/3 तो कितना आ गया 7/3। एवरीवन किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं है ना, चलो सर एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मत करना, एक सेकंड लिख लो, तुम्हारे चक्कर में चाय बन गई शरबत। बताओ बच्चों क्लियर है? यस सर। यस आगे बढ़ जाऊं भाई अब? Yes, देखो यार अब मान लो, अब मैंने तुमसे बोला थोड़ा लेवल और हाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बताओ यार कुछ। सर अल्फा इनटू बीटा। तो अरे वाह, अरे वाह, ये किसी को पता था कि अगर एक रूट अल्फा होगा और एक रूट बीटा होगा और जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो अल्फा इनटू बीटा आ जाएगा, किसी को पता थी ये वाली बात? सर नहीं पता। नहीं पता थी? अभी पता चलिए सर, सब लोगों को अभी पता चले तो ध्यान रख, न्यू डिस्कवरी है ये, सब लोगों को पता चल चुकी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये आ जाएगा अपॉन में 2a और इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस में अंडर रूट में d अपॉन में 2a आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर एक बात सुनो, देखो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये a मान लो इसको, नहीं तुम x मानो यार, अभी थोड़ी देर में फिर बोलोगे ये था, अब इसको क्या मानोगे, इसको मानो y, ठीक है इसको मानो x और इसको मानो क्या y, क्या ये बच्चों कुछ ऐसा नहीं लिखा x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई? सर x स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? यस यस। सारे बच्चे एग्री करते हैं इससे? यस सर। तो इसका मतलब नीचे वाले तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों, तो आ जाएगा 4a का स्क्वायर, लेकिन अगर तुम ऊपर वालों को करते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट d का क्या करोगे, पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस d माइनस, रुको तो रुको जरा रुको रुको रुको, माइनस डी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट डी का करोगे तो डी आ जाएगा सिंपल डी, लेकिन डी बच्चों है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी फॉर डॉग माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 4a, 4a स्क्वायर भाई है ना। यस जरा सुनो, अब ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई तो ये है बी से बी, बी से बी चलो 4ac/4a, 4a से 4a, यस सर, तो 4 से 4 गया, a से 1 a गया, तो बचा कितना, c/c/a, यानी कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, c/a आ रहा है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात एक और बढ़िया वाली, तो मैं तुम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन आई कि भाई 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0, अब यहां पे अल्फा इनटू बीटा बताना जरा, 5/2 समझ रहे हो, कितना तेज हो रहे हो तुम अब, तो 3x का स्क्वायर प्लस में 7x 0 इक्वल्स टू में 0 सर, 0 0 कितना आ जाएगा,
जीरो भाई अल्फा इंटू बीटू। अब सुनना, अब देखो यहाँ पे मजेदार बात सुनना जरा सारे के सारे बच्चे। सी बाय ए, अगर देखो तुमने यहाँ पे जीरो अपॉन में ए लिखा और एक्चुअल में 0.3 आया वो, तो जीरो ही हो गया वो। लेकिन तुम एक बात सुनो, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो आ रहा है, इसका मतलब बच्चे समझ रहे हो तुम क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू। ना 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 सुनो, कॉन्स्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। देख लो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो है, yes, और कोई yes, चारा ही नहीं है भाई। देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में कितना होता है? सी बाय होता है। इसको जीरो करने का क्या तरीका है बताओ? और बच्चों अगर सी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो जीरो जीरो। कांस्टेंट इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा? जीरो। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा यहीं पे एक मजेदार और बात आती है, एक मजेदार और बात आती है। जैसे कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस बी बाय ए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये भी जीरो हो जाए, वैसे जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? बी को जीरो, बी को क्या, बी क्या होना पड़ेगा बच्चों? जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लेकिन बच्चों एक बात समझो, अगर बी जीरो हो गया यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में जीरो हो गया, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? माइनस का बीटा। यानी कि यानी कि पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो हो गया तो ये कहता है कि बी इक्वल टू जीरो, पहली बात। दूसरी बात, अगर बी इक्वल टू जीरो हो गया तो तुम ये बोल सकते हो कि जो अल्फा का मैग्नीट्यूड है और जो बीटा का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड में क्यों बोल रहा हूं, उसमें साइन नहीं होते। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? विदाउट हाँ क्या कह रहे हो सर? ये मैग्नीट्यूड को लाइन से डिनोट करते हैं, साइड में मोड है कहीं सर? ये मोड क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने मोड इसलिए बोला है क्योंकि देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो अल्फा जो है वो बोल रहा है कि बीटा की नेगेटिव वैल्यू है, यही तो बोल रहा है यहाँ से पढ़ो, है ना इस? या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बीटा जो है वो क्या है? माइनस ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब दोनों के क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइन है। मतलब कहने का जो मतलब है मेरा वो ये है कि अल्फा बीटा विद अपोजिट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है विदाउट साइन। और मैंने मॉडुलस इसलिए लिखा है क्योंकि मॉडुलस हर एक चीज को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब पता है बस क्या है मेरा? कहने का मकसद ये है मेरा कि कभी भी अगर तुम्हें b की वैल्यू जीरो मिल रही है तो जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? एक प्लस हुआ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनस। अगर एक माइनस हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर समझना मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू में जीरो। अब तुम अगर एक्चुअल में देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में नाइन लिखा है। एवरीवन यस सर, मुझे बताओ यहाँ पे एक्स वाली टर्म दिख रही है तुम्हें? No, sir. और यहाँ पर x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एक x आ रहा है प्लस तीन और एक x आ रहा है कितना? माइनस तीन। समझे बात या नहीं समझे? यस यस सर। सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा। यस सर समझ गए। अच्छा जैसे मान लो तुम्हारे पास x प्लस फोर माइनस फोर दे रखा है तो भी मतलब क्या आ रहा है कि भाई प्लस और माइनस फोर? देख लो x वाली वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, x वाला कॉफिशियंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखना जरा बच्चों ध्यान से, एक और चीज दिखाता हूं तुम्हें और मजेदार चीज। a x का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c इक्वल्स टू में जीरो। यानी कि बच्चों पहली चीज क्या हुई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू
माइनस बी बाय ए। दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी बाय। ठीक है, अगर मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, अच्छा, और इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। चलो लिख लो, ऐसे ऐसे ही लिखो, अब तुम लोग तो समझ गए हो ना, समझदार हो रहे अब तुम धीरे धीरे। तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, अल्फा का मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू में बीटा की मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, यस सर। यस सर, अल्फा बीटा हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड सर, साइन डिफरेंट साइन। अगर एक के पास प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। एक और पॉइंट सीखा आप लोगों ने, अल्फा इंटू बीटा अगर जीरो हो गया तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो 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 हो जाएगी। वेरी गुड। सो अब यहां से एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें। तुम लोगों ने ये वाली इक्वेशन देखी थी ना, इतनी देर से कह रहे हो सर यही तो देख रहे हैं, है ना। तुम एक काम करो बच्चों, देखो जादू देखो, ए स्क्वायर से पूरा डिवाइड करो, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यस सर। बच्चों यार एक बात बताओ मुझे, ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को, भाई प्लस के साइन को क्या लिख सकते हो आप, माइनस इनटू में माइनस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस का बी बाय ए इनटू में एक्स प्लस में सी बाय ए, चलेगा। यस सर। यानी अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस में, और सॉरी यहाँ एक्स आ गया, ये कितना है, अल्फा इनटू बीटा। किसी को कुछ समझ में आया बात या नहीं आई, यानी कि अगर यानी कि तुम इक्वेशन देखोगे और तुम्हें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सामने ही दिख जाएंगे। समझे कि नहीं समझे बताओ भाई। यस सर। यस सर, है ना। इसका मतलब तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट माइनस, और यहां पर कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू में जीरो। अब मुझे लगता है अब आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, इतना तो सबको क्लियर हो गया है। अब आप में से कुछ बच्चे जरूर सोचेंगे यार एक बात समझ नहीं आई, सर ने सम ऑफ रूट लिखवाया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखवाया, सर ने डिफरेंस ऑफ रूट क्यों नहीं लिखवाया, सर ने डिवाइड ऑफ रूट क्यों नहीं लिखवाया, है ना भाई, बात है कि नहीं है सोचने वाली। सर वो तो इनसे ही हो जाएगा, वो तो इन्हीं से जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि तुमने अल्फा किसको माना था, तुमने अल्फा माना था माइनस बी प्लस माइनस, वो प्लस वाले को माना था तुमने अल्फा, जिसके बीच में प्लस आ रहा था, जिसके बीच में माइनस आ रहा था उसको तुमने क्या माना था, बीटा। लेकिन ये तो तुमने माना था ना, मान लो कोई सब्ट्रैक्ट करने जा रहा है, वो माइनस वाले को अल्फा मान ले और प्लस वाले को बीटा मान ले, समझ रहे हो सर। ऑन द स्पॉट करके देखना, वो तो हो ही जाएगा, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ, इसलिए उनका जनरलाइज तरीका नहीं बनाया गया है। ठीक है भाई, किसी ने देखो, अब किसी को तुम बोलते हो अल्फा माइनस बीटा, अब भाई कोई यहाँ पे रख रहा है माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी डिवाइड बाय टू ए, और कोई यहाँ पे रख रहा है माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी डिवाइड बाय टू ए, अब किसी ने इसको अल्फा मान लिया, किसी ने इसको बीटा मान लिया, मान लो आंसर तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूँ कि इस तरीके की चीजों में पढ़ना मत, क्योंकि क्या है कि ये ना डिपेंड करता है किसने क्या माना। भाई तुम अल्फा बाय बीटा मान रहे हो, किसी के हिसाब से वो बीटा बाय अल्फा है, किसी के हिसाब से वो अल्फा बाय बीटा है, तो ऐसे में क्या करना, करके देख लेना उसी वक्त, जो भी मानना हो तुम्हें या जो भी करना हो। जनरली ये चीज पूछी नहीं जाती है, जनरली ये चीज पूछी नहीं जाती है, दो दो आंसर आ रहे हैं अलग अलग। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, वो डायरेक्टली तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, वो तुम्हें कुछ ना कुछ बता देगा कि अल्फा इसको मान लो बीटा इसको मान लो, वो कुछ ना कुछ हिंट दे देगा तुम्हें, तो वहां तुम उस हिसाब से मान लेना। अभी क्या है, ये जो प्रोडक्ट वाली चीज थी, अगर तुम समझोगे ध्यान से, तो ये जो प्रोडक्ट वाली चीज थी और ये जो सम वाली चीज थी, ये किस तरीके से थी, ये जनरलाइज टर्म में थी, ये जनरल थी। अब इसमें कितना भी चेंज कर लो, चेंज ही नहीं आ सकता भाई, अल्फा प्लस बीटा में क्या चेंज कर लोगे तुम, किसी को कुछ भी मान लो, दोनों एड ही होने एट द एंड, तो अल्फा इंटू बीटा में किसी को कुछ भी मान लो, तो इसलिए ये जो थे ये जनरल थे, इसलिए इन दोनों के ऊपर केस बन गया ये वाला। समझे कि नहीं समझे सर। बोलो।
सर अल्फा माइनस बीटा का अगर हम मॉड यूज कर दे तो उसका बना सकते हैं ना, जैसे मॉड बिल्कुल 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 तब तो फॉर्मूला बन ही गया ना, अगर तुमने ये कर दिया तो, अगर तुमने मॉड लगा दिया तो हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछ ली बाय मॉड ए, हां तो वो तो हो जाएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर, ओके। सो अब सुनो जरा, यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अब वो क्वेश्चंस यार तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुम लोग कैसे करते हो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। और ये भी देखना चाहता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देगा, थोड़ी सी रेस वेस होगी तो देखते हैं कौन सबसे पहले आगे निकलते हैं भाई। सबसे पहला सवाल है आप सब लोगों के लिए, सारे बच्चे पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ भाई। पहला सवाल है कि अगर मैं ये लिख करके दे दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन एक्स, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ट्वेल्व इक्वल्स टू में जीरो, इसमें आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ज्योत्सना, मोक्षिका, जैद, सर सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस सेवन और प्रोडक्ट ऑफ रूट ट्वेल्व, क्या हो जाएगा सर सम ऑफ रूट्स माइनस सेवन और प्रोडक्ट ऑफ रूट ट्वेल्व। वेरी गुड, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस सेवन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ट्वेल्व हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर, नो सर, ओके। इसके बाद अगले सवाल में वो पूछ रहे हैं आपसे कि कुछ और बढ़िया सा सवाल, ये सब तो हो जाएगा। ये रहा, फोर अंडर रूट में थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स माइनस में टू अंडर रूट में थ्री इक्वल्स टू में जीरो, बताओ जरा इसमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सर डन, ओके नारायण बताओ। यस सर, जो सम आएगा वो 5 डिवाइडेड बाय 4 रूट 2 आएगा, और 4 रूट 2 आएगा सर, 3 रूट 3 सर, 4 रूट, यस सर 4 रूट 3 आएगा। हां तो प्लस आएगा माइनस आएगा सर? प्लस में। चलो भाई गलत है तुम्हारा। मनोज कहां है भाई बच्चे आज? यस सर, बताओ क्या आएगा? सही वाला समझ नहीं आया। समझ नहीं आया भाई, मैंने तो तुमसे बस ये पूछा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना, तो सम ऑफ रूट क्या होंगे? सम ऑफ रूट अभी कभी फॉर्मूला बताया था ना अभी मैंने, माइनस बी बाय सर, माइनस बी बाय सर, माइनस बी बाय है ना, तो माइनस बी बाय बताया था, तो बताओ जरा उसका जवाब बताओ सर। 5 बाय 4 रूट 3, 5 बाय 4 रूट 3। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो सही है फिर, उसका तो सही है। हाँ अच्छा, एक बात और इसका बताओ, क्या कहते हैं लव्या, लव्या यस सर, बताओ जरा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। यस सर, माइनस में बेटा सर, प्लस गलत सर, माइनस माइनस में। हाँ ठीक है, समझ में आ गया लव्या? यस यस, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज आपको दे रखा है कि ए बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी इंटू में एक्स माइनस में बी सी इक्वल्स टू में जीरो, तो बताओ जरा इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? इसका जवाब देंगे देवेश,
सर माइक में आवाज नहीं आ रही। हेलो यस सर आवाज। ऋषभ ऋषभ सर आवाज। ऋषभ बताओ। यस सर। सर बताओ इसका जो सम होगा सर बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय ए बी। बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय ए बी। मोक्षी का प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस सी बाय। सही है, माइनस का सी बाय ए हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब थोड़ा सा कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है, कैटेगरी चेंज कुछ इस तरीके से हो रही है कि अब मैंने तुमसे बोल दिया अगर कि एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में क्यू आ गया मान लो थोड़ी देर के लिए। अब मैं तुमसे पूछ लूँ कि मुझे ये बताओ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है? सर नहीं। यस सर बताओ। बस एक सेकंड सर बताऊं। सर टेन बताओ। सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा? मैंने पूछा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर क्या होगा? सर मैं बताऊं? हाँ पूछो। नारायण बोलो। यस सर। सर पहले हम इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे जो कि हमारा सर प्लस पी आएगा, फिर सर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सर मैंने अल्फा को ए ले लिया है। देखो तुम लोग सबसे पहले तो बिल्कुल सही बोला है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस इसमें मैं क्या करता हूँ, बाकी बच्चों की हेल्प भी कर देता हूँ एक बार, कि आप लोगों को कोशिश क्या करनी है, सम ऑफ रूट के ओरिएंटेड चलना है। तो अगर कभी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिखा हो बच्चों तो वो एक्चुअल में इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा, और अगर मान लो कभी क्यूब में लिखाओ तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में थ्री अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है? तो ये छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड ले आते हैं बस। तो इसका मतलब देखो, अब जब इन्होंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस में क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब सम तो तुम सबको पता ही चल गया है, सम कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू माइनस में टू क्यू और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस में टू क्यू, ये लो आंसर आ गया। यस सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अभी मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, सब लोगों को आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लें। जिनके अभी नहीं भी आया हल्का फुल्का। हाँ बोलो सर। थर्ड क्वेश्चन में से अल्फा प्लस बीटा का सर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय ए भी नहीं आएगा क्या? थर्ड क्वेश्चन में क्या था सर? उसमें अल्फा प्लस बीटा का सर, सर उसमें माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी नहीं आना चाहिए? माइनस बी स्क्वायर प्लस नहीं बेटा, क्या होता है वो माइनस का बी अपॉन में ये होता है ना, तो माइनस यही रखो, बी कहाँ है, बी तो ये पूरा है ना, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में ए, ए कितना है, ए बी है, तो इस वाले माइनस से वाला माइनस गया तो बचा क्या, यही तो बचा, यही बात समझ में भाई। जो भी साइन एक्स के साथ लिखा होता है उसका उल्टा कर देते हैं, बस ये समझो। अब एक्स के साथ जो लिखा हुआ है उसका साइन क्या है, नेगेटिव ही तो है, तो उसको उल्टा करोगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा बेटा? तो पॉजिटिव में ही तो लिखा है मैंने, ये देखो। यस सर आ गया। आ गया ये वाली बात भाई, ये वाली बात समझाओ भाई। जैद जैद 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा? सर बताऊं? बताओ सर। सर इसका हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी। आंसर बताओ आंसर भाई। ये तो देखो सब लोग जानते हैं कि एलसीएम लोगे तो बीटा यहाँ जाएगा और अल्फा यहाँ जाएगा। हाँ बताओ सर। पी बाई क्यू। सर पी बाई क्यू। देखो अल्फा प्लस बीटा सब जानते हैं, माइनस बी बाय ए होता है और ये सब जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने बोला बी बाय सी हो जाएगा। अब बी माइनस ये दे रखा है, बी आपको पता है कितना है, माइनस का पी है, सी सी आपको पता है क्यू है, तो कितना आ जाएगा, पी अपॉन में क्यू आ जाएगा आपके पास जवाब। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। इसमें देखो और भी सवाल है, मैं और भी सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ। तो पीछे कर दो, पीछे कर दो, लो कर दिया, देख लो। अब आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ
जिसमें आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो लगा पाएंगे और फॉर्मूले से काफी सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो जनरल, इन जनरल हम लोगों को जो वो मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में कितना मिल जाता है, सी इज इक्वल टू में जीरो। तो अब हो क्या रहा है बच्चों, अब हो क्या रहा है, मैंने आप लोगों से कुछ पार्ट्स पूछ रहा हूँ। जैसे एक पूछ रहा हूँ मैं आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, ये जनरली पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा। तीसरा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बच्चों वन अपॉन में अल्फा का क्यूब प्लस में वन अपॉन में बीटा का क्यूब। और चौथा बच्चों मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा। ये चीजें जो है मैंने आप लोगों से पूछी हैं। सबसे पहला जवाब लेना चाहूंगा पहले वाले क्वेश्चन का, तो बताइए जरा कौन जवाब देगा। सर डन। रुक जाओ, और भी कर लें दो, और भी बच्चों कर लें दो। और बच्चों ने नहीं किया अभी तक? यस सर, कर लिया। कर लिया, नहीं आया समझ में? हेलो हेलो, किसके समझ में नहीं आया? हेलो बच्चों, बाकी सारे बच्चों में से कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार। सर ऑल पार्ट्स डन। चलो ठीक है फिर, मैं ही यहाँ पर। बच्चों बताओ लव्य, आप बताएंगे? यस सर। बताओ सर, इसका आंसर होगा वो पहले अनरूट एक्स वो मतलब वो भी तो सर हो जाएगा आंसर इसका फोर हो जाएगा इसका आंसर। बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या बोला था, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर को मैंने क्या बोला था, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा, ये होता ही नहीं होता। अब इसको तुम्हें पता है कि ये कितना होता है, माइनस का बी बाय सम ऑफ रूट, तो यही होता है आपके पास। बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाय ए स्क्वायर है ना? क्या आंसर? मैं भी वही तो देख रहा हूँ, मुझे भी तो देखना, मैंने मुझे याद थोड़ी ना है सब, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ए, अब देखो जरा यहाँ पर ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करोगे तो लो आ गया बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी अपॉन में ए का स्क्वायर। देख लो जरा यहाँ पर, सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ बोलो सर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए पे नहीं छोड़ सकते? क्या बोल सकते हो सर? स्क्वायर अपॉन में नहीं छोड़ सकते, मतलब सिंपलीफाई करके लिख दिया बस। अब कोई ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं खैर इन दोनों में। अगर ऐसे करके लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। अगर यहाँ नीचे तक छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है, ऊपर तक छोड़ने पर वो तब छोड़ोगे जब पेपर आंसर शीट को छीन के ले जा रहा हो एकदम। अगर टाइम हो तो ऐसे ही लिख देना, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर ही कट जाएंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका जवाब ज्योत्सना देंगे। ज्योत्सना बोलते नहीं हो यार तुम लोग। मोक्षिका सर मुझे समझ नहीं आया सर, आप और किसी बच्चे से पूछ लीजिए। क्या नहीं समझ में आया सर? मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, आपने अभी पहले क्या परफेक्ट स्क्वायर पे थे उसके बाद अल्फा बीटा पे आ गए, तो मैं शांति हूँ कि बाद में देख लूं। परफेक्ट स्क्वायर के बाद अल्फा बीटा पे आ गए, यार मैं अचानक से अल्फा बीटा पे कूदा हूं क्या? मुझे यार एक बात बताना, मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझाएगा तुम्हें, कहां से आया अल्फा? नहीं नहीं नहीं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया ना कि अगर मैंने ऐसे जंप किया है तो ये मेरे लिए सही नहीं है ना। मुझे एक बार बताओ कहां पर नहीं आया आपको समझ में? यहां पर मैंने आपको अल्फा और बीटा नहीं समझाया?
चलो ठीक है, फिर आप बाद में देख लेना भाई। बाकी सब भाई बाकी सबको समझ में आ गया है क्या यहाँ तक? यस सर, यस सर, आ गया। मैं तो कोशिश यही की थी कि सब लोगों को कनेक्शन बने। खैर देखो जरा यहाँ पर, अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये चीज यहाँ जाएगी और ये चीज यहाँ जाएगी, और नीचे दोनों आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने इसको यहाँ भेजा, वैल्यू है हमारे पास। हाँ बिल्कुल सही है, अल्फा प्लस बीटा और नीचे देखो अल्फा बीटा। अभी अभी थोड़ी देर पहले माइनस टू ए स्क्वायर सी बाय ए स्क्वायर सी, बिल्कुल सही। अब इसका मतलब न्यूमरेटर की जगह तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और नीचे क्या है ये अल्फा बीटा, ये कितना होता है बच्चों? सी बाय सी होता है, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने, और ये जाएगा बच्चों कहाँ पे, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने। अब अगर आप लोग बात को समझेंगे तो बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी की मल्टीप्लाई किसके साथ होने वाली है? ए के साथ, और अपॉन में सी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ। तो ए स्क्वायर इंटू में सी, तो ए से ये वाली ए हटेगी तो बचेगा कितना, बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी अपॉन में ए सी। क्या बात क्लियर है सबको? वेरी गुड भाई। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अगर प्लीज मेक श्योर बोल देना, अदरवाइज ऐसे फिर सही नहीं लगता कि पता ही ना चले। तो यहाँ पर देखो, अगर एलसीएम लोगे बच्चों इसका, ये नेक्स्ट वाला कोई करेगा? यस सर, मैं बताऊँ? नेक्स्ट, हाँ बताओ। यस सर, सर पहले यहाँ पे हम जो है न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। इसके बाद फिर सर हमने एक जो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा होता है। प्लस था या माइनस था यार, एक बार मैं कंफर्म कर लूं। हाँ माइनस ही तो था। नहीं सर, ये आपने तो सही लिखा है सर, मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का एक्सपेंशन बता रहा हूँ। तो सर इस साइड ट्रांसपोज करके यही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर सर जब हम न्यूमरेटर को प्रोसेस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय पुट कर देंगे और अल्फा बीटा को सी बाय ए पुट कर देंगे, और नीचे भी अल्फा बीटा के होल क्यूब की जगह हम सी क्यूब बाय ए क्यूब पुट कर देंगे। सर लास्ट में मेरा आंसर आ रहा है माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी अपॉन सी क्यूब। अच्छा, सो अब एक बार सारे के सारे बच्चे देखेंगे, एक बार यहाँ पे बी क्यूब इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली ऊपर कितना आ जाएगा, अल्फा का क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, बीटा का क्यूब, बीटा का डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, अल्फा का क्यूब इनटू में बीटा का क्यूब, सर अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब अगर आप लोग ध्यान से समझो बच्चों, तो ये चीज, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग बच्चों बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में थ्री अल्फा इनटू बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा का क्यूब इनटू में बीटा का क्यूब। सारे बच्चे समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्यूब माइनस में थ्री। अल्फा इनटू बीटा को सब जानते हैं? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सम को सब जानते हैं सर? माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अभी नीचे जो है, नीचे जो है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख दो अभी इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको। तो अगर तुम माइनस बी बाय ए का बच्चों होल क्यूब करते हो तो कितना मिलता है सर? माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। वेरी गुड, ए का क्यूब। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का थ्री अपॉन में ए का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब देखो यहाँ ए का क्यूब है, यहाँ एक का स्क्वायर है, तो कमी किसकी है? एक ए की कमी है, ए स्क्वायर की। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, सोचो जरा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो तुम्हारे पास आ जाएगा, मैं इसको एक साथ करके लिख दे रहा हूँ, थ्री पहले लिखे दे रहा हूँ ए बी सी माइनस में, माइनस में आ जाएगा बी का क्यूब अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों, ए का क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया ना। अच्छा, ये नीचे क्या है? नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब ये जाएगा, देखो क्योंकि ये यहाँ पर जाता मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जब ये यहाँ पे घूम के जाता तब भी कैंसिल आउट करता है इसको। अब ये चीज कहाँ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होने, तो बचा कितना, थ्री ए बी सी माइनस में बी का क्यूब
अपॉन में कितना आ गया सी का क्यूब। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अगर किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है तो पूछ सकता है। बताओ। नो सर नहीं है कोई दिक्कत कोई परेशानी। नो सर। अच्छा अब एक बात और बताओ, जो अगला फोर्थ वाला पार्ट है क्या वो कर सकते हैं अपन लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सो ये वाला पार्ट करके दिखाओ। पूछता हूँ मैं पहले करो। देवांश चौधरी बताएंगे। सर डन। सर एक सेकंड करो। सर डन। ओके बोलो कृष्णा। सर थ्री ए सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब सी बाय ए स्क्वायर। थोड़ा तुमने सर नहीं आई इसको थोड़ा सा रहने मतलब तुमने थोड़ा सा रॉ छोड़ दिया इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे आप। किसने कहा मैं आई? सर मैंने। बोलो सर। 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। सही है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज दे रखी है कि अल्फा का स्क्वायर अपॉन में बीटा है और बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा है, तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब और अपॉन आपस में दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई अल्फा। और ये हमको पता है ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में थ्री अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। सर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर सॉल्व किया था ना। यस सर पीछे करा था। जब यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया था तो अपन को पता चल गया था कि यहाँ से कितना आता है बच्चों, ये चीज आया ये ऊपर वाला थ्री ए बी सी माइनस में बी का क्यूब। हाँ तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं आप लोग, थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब माइनस में बी का क्यूब अपॉन में नहीं ए का क्यूब, ए का क्यूब और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा सी बाय सी बाय बाय एक ए से या तो यहां दो आ जाएगा ए से हो जाएगा और ऊपर सी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सर सी डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है सी तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना यार, ये तो यहां जा ये यहां जाता ये यहां जाता ये से अब यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 ए बी सी माइनस में बी का क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर सी। बस बात खत्म हो गई। यही क्या हो गया आपके पास, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा और नहीं प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। क्लियर है बात? यस सर क्लियर। ओके इसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर अल्फा की पावर 4 दे रखी हो और बीटा की पावर 4 ऐसे सम दे रखा हो ना तो इसे भी लिखने का एक तरीका होता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर और सर माइनस में सर कर देंगे माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है यस सर। लेकिन ये तो तुम्हें लिखना आता है लेकिन यस सर। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और इसका ही मान लो कि तुम्हें क्या करना है स्क्वायर करना है माइनस में 2 अल्फा बीटा, अल्फा का भी स्क्वायर बीटा का भी स्क्वायर। बस बात खत्म हो गई। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके जी सो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। एक और सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, एक और क्या सवाल है इसी में पांचवा पॉइंट बना लो, इसमें फाइंड करके दिखाओ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये फाइंड करके बताओ। और इसके बाद सर एक बार जरा ये पीछे कर देना वो 4 वाला ही देखना भाई लिख लो। ओके सर हो गया सर डन। एक मिनट ये भी बताना है और ये भी बताना है तुम्हें, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा का स्क्वायर। सो इसका जवाब क्या आएगा, कितने बच्चों ने निकाला इसका जवाब? सर मेरा हो गया अर्णव। और भी बच्चों को आने दो।
और किसी का नहीं आ रहा भाई? सडन सडन मानस बताओ। यस सर। सर बी पार फोर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर। अपॉन ए स्क्वायर। यस सर। गलत भी हो सकता है सर। सर मैं सर मैं अर्णव। हाँ बताओ अर्णव तुम बताओ। यस सर। सर बी टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी स्क्वायर सी अपॉन में ए टू द पावर फोर। ठीक है ओके ठीक है। अच्छा देखो बेटा जिसका नहीं आया है ना एक बार वो यहाँ से थोड़ा सा, या जिन्होंने एंड तक नहीं करा है एक बार वो यहाँ पर देखना जरा। तुमको मैंने बोला क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में टू अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यही लिखा था। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस में टू अल्फा बीटा होता है। तो यानी कि तुम क्या कर सकते थे, माइनस का बी बाय ए का होल स्क्वायर निकालते माइनस में, ठीक है, टू सी बाय ए करते, करते नहीं करते भाई। अब इसके बाद तुम यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में सी अपॉन में टू सी बाय, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी अपॉन में ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब माइनस, अब माइनस वाला गेम हो चुका था, इसका क्या करना था बच्चों, तुम्हें स्क्वायर करना था। माइनस टू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर बाय स्क्वायर। सर सी स्क्वायर बाय स्क्वायर लिख सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोल सकते थे आप लोग, इसके बाद यहाँ पर आप लोग सर नीचे ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ पर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई, नहीं रुको पहले अगर तुम इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए सी का होल स्क्वायर हो गया ये, अपॉन में कितना हो गया ए की पावर फोर माइनस में टू सी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। अब चाहो तो डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, यहाँ पर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे कितना सजाना चाहते हो और कितना नहीं सजाना चाहते हो, लेकिन यहाँ तक तो एटलीस्ट तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? यस सर आ गई। यस सर। यस सर। अब अगर चाहो तो यहाँ पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो नीचे भी पावर चार बन जाएगी, तो एक साथ करके लिखना चाहो तो लिख दो। चलो मैं लिख ही देता हूँ, रुको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर पीछे ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। दे रखी है। अच्छा हाँ, तो वो वहाँ से भी उठा सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ से निकाली दी, अब तो घर कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, वहाँ से मैंने निकाली दी, बार बार पीछे कौन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर माइनस का टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में बच्चों कितना आ गया, ए की पावर फोर। अब जब तुमको ये पता है बच्चों तो क्या ये निकालना बहुत बड़े बहुत बड़ा गेम है अब? नो सर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हाँ ये तो सिंपल ही बन गया, अल्फा का और बीटा की पावर फोर अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, यानी कि अगर तुमको अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे, सी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से अगर इसे कैंसिल करो तो टू आ गया, ये सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा सॉरी यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बताओ भाई यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर सर। मोक्षिका या फिर मोक्षिका की तरह अगर किसी और को नहीं समझ में आई है बात तो प्लीज एक बार पूछ लो भाई, मैं कोशिश करता हूँ एक बार और समझाने की, अगर नहीं समझ में आता तब आप जरूर से एक बार वीडियो देख लेना, लेकिन पहले एक ट्राई करते हैं अपन लोग, सब लोग कोशिश करते हैं भाई समझ में आए, क्योंकि किसी कोई भी बच्चा ऐसा क्लास में नहीं होना चाहिए जिसको पॉइंट समझ में ना आए। बताओ बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया था तुम्हें, या फिर आपको वीडियो देख बोलो परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बोल रहे थे आप, बोलो सर। परफेक्ट स्क्वायर तक तो मुझे समझ आ गया था, लेकिन ठीक है वेरी गुड, उसके बाद नहीं आया आपको? यस सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ तक मैंने परफेक्ट स्क्वायर कराया था बेटा, बताओ यहाँ तक कराया था ना मैंने? हाँ यहाँ तक कराया था ना। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक्स की जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन ये होगी ए
एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमारे पास क्योंकि ये डिग्री दो है तो रूट कितने आएंगे बच्चा, दो आएंगे। सर एक बार आपने जो स्टार्टिंग में कराया था एक बार आप उससे दोबारा बता सकते हैं, आपने अल्फा बीटा वाले में क्या बताया था और इसकी ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसे आई थी? ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये देखो जब मैंने यहाँ से ये जनरल इक्वेशन ली थी और यहाँ से इसका परफेक्ट स्क्वायर बना करके यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये याद है? Yes, x की वैल्यू निकाली थी। तो जब x की वैल्यू निकाली थी तो ये दो वैल्यूज आ रही थी ना, एक प्लस के साथ और एक ये माइनस के साथ। एक्चुअल में क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, तो एक वैल्यू प्लस के साथ आएगी और एक वैल्यू। इसमें पहले हमने यहाँ तक x प्लस बी 2a स्क्वायर तक हमने इसका वो निकाल लिया था परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद हमने बची हुई वैल्यूज थी हमने उधर लेके गए थे। बिल्कुल था कि इस वाले नंबर को ये जो 4ac है इसको d मान लो, मतलब हाँ बी स्क्वायर माइनस में 4ac बोला था मैंने इसको कि आप इसको d मान लो, इसका मतलब था डिस्क्रिमिनेंट, जो कि मैंने कहा था कि बाद में जाकर के बताऊंगा, इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी जब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो d मैंने d इसलिए बोला था, वरना बार बार मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना पड़ता, इसलिए मैंने बोला कि अब मैं इसकी जगह पर d लिखूंगा तो तुम लोग याद रखना, बस इतना बोला था मैंने। ठीक है, ओके अब यहाँ तक क्लियर। वैल्यू आ गई थी ना परफेक्ट स्क्वायर के बाद? हाँ बिल्कुल आ गई थी x की वैल्यू, तो x की दो वैल्यू आई ना। ठीक है, एक को क्या माना अल्फा और एक को क्या माना बीटा। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसके बाद मैंने मैंने यहाँ पर यूज किया था एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे लगा कि पहले आप तो आप लोग ये भी सीख लो कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो मैंने कहा कि सुनो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है x की, ये जो देखो ना यहाँ पर ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, इसको मैं कह रहा हूँ d। यहाँ पर दो वैल्यू होती है, एक हो गई अल्फा एक हो गई बीटा। अल्फा क्या मान लिया हमने प्लस वाले के साथ और बीटा क्या मान लिया हमने नेगेटिव वाले के साथ। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार क्यों ना पहले ना परफेक्ट स्क्वायर ही तुम लोग सीख लो, कि जो जिसकी हेल्प से तुमने करा है यहाँ पर वो मेथड तुम्हें क्लियर हो जाएगा, वरना अगर कभी आगे चल करके तुम्हारे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सौरभ सर लेंगे ये वाला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जब सौरभ सर आएंगे तो अगर मान लो जैसे उन्होंने पूछा कि भाई तुमने परफेक्ट स्क्वायर तुमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी आती है तुम्हें इसमें से, ठीक है, तो किसी ने पूछा कि भाई कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर से। अब अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता होगा तो किसी ने करने के लिए कह दिया तो कैसे करोगे, याद रखो तो मतलब क्वाड्रेटिक वाले जो इक्वेशन है उसको पहले हम एक्स उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाके फिर एक्स की दो वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर भी देखो मैंने एक्स वाली माइनस थ्री और सिक्स आई थी जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था। बिल्कुल सही, यहाँ पर देखो हम लोगों ने यही काम किया था ना, ये देखो इसको अकेला कर दिया था, कॉन्स्टेंट वहां फेंक दिया था ताकि एक्स को अकेला कर पाऊं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तुम लोगों को ये निकालना सिखाया कि भाई ये एक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालने सीखे तुम लोगों ने, फिर तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं। फिर मैंने तुमसे कहा कि अब जब तुम लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो दोबारा से कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे रोकी थी। कहानी वहां पे रोकी थी, कहानी रोकी थी कि एक्स की दो वैल्यू आती है, एक हो गई अल्फा एक हो गई बीटा, प्लस में अंडर रूट में डी माइनस में अंडर रूट में डी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ना कुछ टर्म्स हैं जो तुम लोगों को समझने होंगे। टर्म्स में पहली टर्म प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं ना कि जैसे अगर हम 25 करें तो वो 5 भी आ सकता है और माइनस 5 भी, तो यहाँ डी उसी तरीके में है ना। देखो हम लोगों ने एक्चुअल में प्लस माइनस लिखने का तरीका क्या है, प्लस माइनस लिखने का रीजन क्या है तुम्हारे पास, देखो एक्चुअल में पता क्या था तुम्हारे पास, ये चीज थी ध्यान से समझना, तुम्हारे पास ये चीज लिखी हुई थी, ये लिखा हुआ था तुम्हारे पास अगर तुम्हें याद हो पीछे ये कंडीशन थी। अब तुम एक बात बताओ बेटा, ये किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, ये कोई नंबर है इसका स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, अब नहीं होनी चाहिए नेगेटिव। जेन्युइन फैक्ट क्या है भाई, किसी चीज का स्क्वायर कर रहा हूँ तो नेगेटिव तो आएगा नहीं बच्चों, अगर रियल नंबर रखे हुए हैं तो, है ना, पॉजिटिव आएगा। अब एक बात सुनो, जब मैं इसको यहाँ पर रूट को जब स्क्वायर को यहाँ भेजता हूँ तो यहाँ पर रूट में जाएगा ये, तो x प्लस में b अपॉन में 2a, तो रूट में यहाँ पर भी हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में अंडर रूट में 4a का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता था तो इसको लिख दिया 2a, बाकी ऊपर वाला नहीं हो सकता था तो नहीं लिखा उसको। फिर उसको हमने d, आप बोलोगे कि इसमें एक मिनट इसको हमने प्लस माइनस क्यों लिखा,
उसका रीजन ये था कि अब आप एक एक छोटे से एग्जांपल से समझो, मैंने समझाया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं अगर 25 लिखा भी हुआ है बच्चे, सारे बच्चे दोबारा से सुन लेना, किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25 लिखा हुआ है, अब इसका स्क्वायर करके नेगेटिव तो आ नहीं सकता बच्चा, लेकिन जो एक्स है तुम्हें वैल्यू तो इसकी निकालनी है ना, है ना, समझना जरा बात को। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट में 25। पूछो क्यों, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू में प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 5। अब तुम यहां से सोचो, इसको सोचो, तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 था, अब x की जगह पे अगर तुम माइनस का रूट 5 लिखते, इसका स्क्वायर करते तो भी कितना आता, 25। माइनस 5 लिखते उसका स्क्वायर करते तो भी कितना आता, 25, और 5 का स्क्वायर करते तो भी कितना आता बच्चा, 25। क्योंकि x अननोन है, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता, तो वो प्लस का 5 भी हो सकती है, माइनस का 5 भी हो सकती है, इसलिए जब x स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 लिखा होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, x की वैल्यू को एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार नेगेटिव ले लो। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ यही मिलता तुम्हें क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम डायरेक्टली 5 ही बोलते, क्योंकि इसके बाहर थोड़ी ना प्लस माइनस लिखा है, नहीं लिखा ना, मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये लिख करके दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा, क्लियर। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि एक चीज अल्फा थी और एक चीज बीटा थी, तो ये बता, ये निकाल करके बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो एक बार अल्फा लिखा फिर एक बार बीटा लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया अल्फा था। हाँ अच्छा, अल्फा था प्लस वाला, हाँ, और बीटा जो हमने वो प्लस माइनस डी लिखा था, तो उसमें से जो प्लस वाला था वो हमने अल्फा मान लिया, अल्फा मान लिया बीटा। फिर उसके बाद सम किया तो ये चीज आ गई, तो उसके जो दो आंसर्स थे वो तो वही आ गए थे ना, वो तो आंसर आ गए। लेकिन अब मैं ना रूट्स के साथ भी कुछ गेम खेल रहा हूँ, मैं रूट्स को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। रूट्स में मैंने पूछ लिया सम ऑफ रूट बताओ, चलो तुम रूट मत बताओ मुझे, सम ऑफ रूट बताओ। सम ऑफ रूट का मतलब क्या है कि उनको जोड़ करके मुझे बता दो सिंपल, तो मैंने कहा कि यार इसका तो एक सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। सर जब हमने b माइनस रूट डी अपॉन में 2a वाला किया था, b स्क्वायर था, तो उसमें से जो b स्क्वायर बाय 2a था और माइनस d बाय जो 2a था, ये दोनों तो सॉल्यूशन थे ही ना। ये सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन तो आ गया, तुमने जब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, ये देखो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन बच्चा हुआ क्या कि इसका मतलब तो ये हो गया ना, तुमसे बस ये बोल दिया मैंने, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ना रूट्स बता दो, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ना रूट्स बता दो, और इसके अलावा फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे इसमें, तो इसमें और अंदर डेप्थ में जाना पड़ा हमें, और डेप्थ में जाने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि यार एक अल्फा पता चल गया, एक बीटा पता चल गया, अब इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। तो खेलने के लिए तुमने क्या करा कि तुमने बोला यार इसका ना जोड़ करके दिखाओ, इसका ना एडिशन करके दिखाओ, क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया यार देखो ये फॉर्मूला बन रहा है एक, यानी कि इक्वेशन में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और तुमसे कोई पूछ ले सम ऑफ रूट बताना जरा विदाउट फाइंडिंग रूट्स, तुमने रूट फाइंड भी नहीं किए, तुमने ना ये फाइंड किया ना तुमने ये फाइंड किया, लेकिन तुम ये बता दो कि सम ऑफ रूट क्या होगा, तो बताना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन तुमने समझे कि नहीं समझे, लेकिन तुमने यहाँ पर ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि यार अब कभी भी कोई पूछेगा मेरे से तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा कि किसी ने पूछा सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट में माइनस लिखूंगा, ठीक है ना, माइनस लिखूंगा और बी की जगह पे 5 लिख दिया, ए की जगह पे 2 लिख दिया, आंसर आ गया सम ऑफ रूट। क्या इसमें आपने रूट्स को फाइंड किया बताओ जरा, नहीं किया, लेकिन आपको सम ऑफ रूट पता चल गया। अच्छा समझे, सिमिलरली इसके आगे मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल करके बताया, प्रोडक्ट ऑफ ए हो गया, हाँ सी बाय ए हो गया, ठीक है, हाँ, और इससे फिर हमने डिराइव किया कि जैसे हाँ, अगर फिर इसके बाद डिराइव किया ये सारी चीजें, ए जीरो नहीं हो सकता तो सी जीरो होगा अगर टोटल प्रोडक्ट जीरो है तो, हाँ, और बी जीरो होगा जब दोनों के अपोजिट साइंस है, और ये आपने यहाँ पे बी इसलिए तो बताया था ना कि जैसे प्लस थ्री माइनस थ्री होता है, हाँ, लेकिन अगर मैं दोनों को है तो दोनों की मॉड्यूलस वैल्यू सेम ही ना, दोनों है तो थ्री ही, हाँ, बिल्कुल थ्री है, एक प्लस है एक माइनस है, हाँ, इससे ये पता चल गया कि जब कोई भी रूट्स में अगर कोई तुमसे बोल दे बी जीरो हो गया तो तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली बोलना है अगर बी जीरो है तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूट जो होंगे उनके सिर्फ साइन अपोजिट होंगे लेकिन नंबर सेम होंगे, वो उनके मैग्नीट्यूड सेम आ रहे होंगे, तो अगर मतलब एक अल्फा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा, माइनस, समझ गए नहीं समझ गए, यस सर,
इस तरीके से फिर मैंने आगे की तरफ इसको प्रोसीड किया। मुझे लगता है अब आप समझ जाओगे, अब अगर दोबारा से वीडियो देखोगे तो। यहाँ तक मतलब बस वो ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उससे आगे जो जो आप बता रहे थे वो तो समझ आ ही रहा था, एक वो नहीं समझ आया था जो आपने एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा ना, यहाँ मैंने फॉर्मूला बता दिया था। एक्चुअल में क्या है कि तुम लोगों को प्लस और माइनस, तुम लोगों को प्लस और मल्टीप्लाई इन दोनों की टर्म्स में ही लिखने हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सीखा यही है। तो चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, चाहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, चाहे अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर फोर हो, तुम लोगों को देखो यहाँ पर भी देखो सम और प्रोडक्ट में ही मैंने लिखा है इसे, इसे भी सम और प्रोडक्ट में ही लिखा है देखो यहाँ पर। और इसके बाद इवन मैंने चार वाली भी बताया है, चार वाला भी यहाँ पर बताया हुआ है कहीं पर, ये रहा ये भी बताया हुआ है। इसमें भी मैंने देखो इसका इसका यूज करने का मतलब क्या, ये देखो। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, ये आपने डिराइव तो नहीं कराया? ना ना ना, डायरेक्टली फॉर्मूला है ये, नहीं तो आप एक काम कर लो, इन्हें सॉल्व करोगे ना, जब इन्हें सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा तुम्हें, बात तो वही पड़ रही है ना सीधा भाई। तुम्हें एक बात बताओ, हाँ बोलो सर, फिफ्थ पावर के भी आते हैं क्वेश्चन? नहीं वो तो बस अब मैंने तुम्हें इतना कर दिया, वरना तो इतना भी नहीं आता, क्यूब से ऊपर नहीं जाता है वैसे। और अगर मान लो कभी जाता है ऐसे, तो पावर ऐसे भी पूछी जाती है कि 2019 प्लस में बीटा की पावर 2019, ये बताओ क्या होगा, लेकिन उसमें एक पैटर्न बन रहा होता है, तो अभी वो उस चीज की जरूरत नहीं है, वो उस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक बार आगे पेज पे लेके ले जाएंगे, फर्स्ट वेरी फर्स्ट पेज था जिस पे आपने ये फॉर्मूला बताया था सारा। कौन सा वाला? जो पहला पेज था जिसमें आप समझा रहे थे अभी, मतलब कुछ भी नहीं सीखा था अभी, परफेक्ट अल्फा आगे, पहला जो आपने एक्सप्लेन किया था ना, इस आगे इससे भी आगे जो पूरा एक्सप्लेन किया, हाँ ये वाले पे सर, हमने यहाँ पे नीचे देखा था कि एक तो हमारी माइनस बी प्लस रूट मतलब ये डी बन गया था, तो एक सॉल्यूशन हमारा माइनस बी बाय टू ए और दूसरा प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए है ना, ये दो सॉल्यूशन है, या जो रूट डी वाला है वही पूरा एक सॉल्यूशन है? ना 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 बेटा, वो तो वैल्यू है ना, ये तो पूरी वैल्यू है ना, नहीं तो ये देखो ना, ये जो ये पूरी वैल्यू है ठीक है, इसमें एक बार प्लस लगा दोगे कुछ और वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लगा दोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। मतलब यही है पूरी वैल्यू, इसमें से ऐसा नहीं है कि इसमें से ही दो सॉल्यूशन है, यही एक सॉल्यूशन है, बट यही एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक बार प्लस करोगे देखो यहाँ पर, तो प्लस वाला अल्फा हो जाएगा और माइनस, एक प्लस वाला हो गया एक माइनस वाला हो गया, तो देखो मैंने लिखा है ना, ये माइनस बी बाय टू ए अलग है और ये डी बाय टू ए अलग। नहीं 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 सेम है सर, अब क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ ठीक है सर। यस सर, बोलो सर। आपने सर अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा के पावर फोर को सर हम दूसरी तरीके से नहीं कर सकते सर, जैसे आपने अल्फा की पावर थ्री प्लस बीटा की पावर थ्री करवाया था, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे आसान हो सकता है मैंने तो वो तुम्हें बता दिया। अब तुम उसमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हो कि कोई और भी तरीका सर लगा सकते हैं, तो पहले ये चेक कर लेना कि फॉर्मूला सही लगा रहे हो। जैसे मान लो कि तुम लोग अगर ऐसे ऐसे ढूंढते हो ये फॉर्मूलेज, एक मिनट रुकना जरा, ये फॉर्मूलेज बने कैसे, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूलेज बने कैसे, कोई बहुत बड़ी मैथ्स और नहीं लगी है इनके पीछे, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो। तुम्हें पता है ए प्लस बी क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुम जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए अगर मान लो सिर्फ, तो इसको उधर फेंक दो तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी, लो बन गया फॉर्मूला। भाई तुम जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ये होता है कि अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब प्लस में थ्री अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में थ्री अल्फा बीटा का स्क्वायर। चाहो तो अब यहाँ सिर्फ ये चीज चाहिए तो इसको यहाँ पे लिख दो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, तो ये सब उधर की तरफ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आ जाएगा माइनस में थ्री अल्फा का स्क्वायर बीटा माइनस में थ्री अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का थ्री, और अल्फा और बीटा कॉमन निकाल लो तो अंदर कितना बचा, अल्फा प्लस बीटा, देखो आ गया सारा जवाब, होल स्क्वायर लिख दिया सर, होल क्यूब, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो भी लिखा हुआ है ना, क्यूब लिखा सर, ये अल्फा बीटा तो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना, हमारा परफेक्ट स्क्वायर तक ही तो है ना जो एनसीईआरटी में टॉपिक है, अल्फा और बीटा? ना 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 ना, तुम थोड़ा सा और आगे पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, अल्फा बीटा तो सर है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी तो कब, एनसीईआरटी तो मतलब है तो उसमें, लेकिन बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पर है,
वो तो कब का निपट गया है वैसे? मतलब तो हमारा जो आप ग्राफ से रिलेट कराने वाले हो वो कहाँ तक का है कि परफेक्ट स्क्वायर निकाला है, उसके बाद एक्स की जो हमने वो एक वैल्यू निकाली थी उसमें ही प्लस वाला और माइनस वाला ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ ये दो वैल्यूज आ गए आपके पास, एक्स की वैल्यूज आ गई बस वो, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया कि वो जो एक्स की वैल्यू थी वो उसे आपने अल्फा बीटा कहा, अब उनके बीच में जो जो रिलेशन बन सकते थे हम लोगों ने वो बना करके देख लिए, ठीक है इतना कर लिया। अब हम लोग आगे की तरफ और बढ़ेंगे क्योंकि अब तुम आप लोगों को ये तो सब चीजें समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे इक्वेशंस बनाना और इक्वेशंस को डिवाइड करना, कैसे करते हैं उसको डिवाइड करना भी आपके एनसीईआरटी का पार्ट है वो, पहले हम लोगों को वो करना पड़ेगा, डिवीजन सीखनी पड़ेगी हम लोगों को, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे दूसरे सर भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि क्लास लेनी है, बताओ। और सर 10th में भी हमारे टीचर चेंज हो जाएंगे क्या बाद में? ना टीचर कहाँ चेंज हो रहे हैं, आपको मैथ्स दो टीचर आपको मैथ्स जो है वो दो टीचर पढ़ाएंगे सर। क्यों ऐसे ही दोनों टीचर अच्छे हैं इसलिए सर? कल टेस्ट है सौरभ सर, सौरभ सर को मेरे ख्याल जब आप लोग 9th में थे तो सौरभ सर ने लास्ट में आप लोगों को पढ़ाया था। पढ़ाया था ना सर, थोड़े से उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाए थे। हाँ तो वही आएंगे, वही प्रकट होंगे चौथे चैप्टर में। सर एक ही टीचर दो क्यों पढ़ाते हैं सर? दो टीचर कौन से सब्जेक्ट में आए दो टीचर बताओ? आप ही तो कह रहे हो सर, पिछले साल भी मीट में तो इसमें अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। तो तुम लोग कह रहे हो चेंज ना करो? हाँ सर, क्योंकि सर एक ही मतलब तुम ये कह रहे हो कि सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हम सचिन सर के बिना नहीं रहेंगे, तुम ये कह रहे हो? यस यस सर, कह दूँ चलो ठीक है। पिछले साल चार बार सर चेंज हो गए थे। यस सर, ना चेंज तो नहीं होगा कोई भी, चेंज तो नहीं होगा कोई भी, उसकी तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो नहीं बुलाएंगे हम सौरभ सर को बस। यस सर। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो, ये मत सोच रहे कि मुझे क्वाड्रेटिक पढ़ाना नहीं आता है सर। जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है सर, उससे सर दो डिस्टिंक्ट जीरोस भी निकल जाएंगे। और क्या, वो तो मैं देखो तुम आगे मत भागो, डिस्टिंक्ट मैं तुमसे बोल दिया ना, मैं डिस्क्रिमिनेंट जब पढ़ाऊंगा तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। एक्चुअल में मैं तुम्हें पता क्यों थम थम के पढ़ा रहा हूँ इस वाले में, ये क्वाड्रेटिक को, एक्चुअल में अगर क्वाड्रेटिक ज्यादा बता दिया तो क्वाड्रेटिक चैप्टर में पहुंच जाओगे, और कम बता दिया तो वो नहीं बन पाएगा, तुम्हारे ग्राफ नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए बड़ा रह के समझा रहा हूँ तुम्हें मैं, वरना तुम्हारा कोई डाउट निकल करके आया तो बहुत दूर भागोगे फिर तुम, इसलिए बड़ा आराम आराम से मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया है ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए, तुम्हें ग्राफ समझ में आ जाए, उसके बाद यार ग्राफ समझ लिया उसके बाद क्वाड्रेटिक में तो वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं बचना। तो सर फिर अर्नब से सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सर, उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम से आंसर दिया था सर, वो समझ नहीं आई थी सर अर्नब ने। कोई बात नहीं, बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें उतनी वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम जितनी आनी चाहिए तुम्हें, वैसे तो आनी तुम्हें नहीं चाहिए इस वक्त यहाँ पर, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम से इतना हो जाएगा कि तुम्हारे पास ना तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे पास जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला था, अब मैं तुम्हारे पास अगर ऐसे लिख के दे देता, सुनना जरा ध्यान से, अगर मान लो बाई चांस मैं तुमसे ये लिख के कह देता कि अल्फा प्लस बीटा का की पावर 5 बताओ, तो मे बी ये होता कि तुम लोग इस तरीके से शायद निकालते इसे, है ना। तो मैं तुम्हें इतना बता दूंगा कि तुम लोग उस पैटर्न समझ जाओगे कि एक्चुअल में होता कैसे है, जरूरत तुम्हें सर, पास्कल ट्रायंगल उसके भी करा दूंगा। पास्कल ट्रायंगल का तो तोड़ था बाइनोमियल थ्योरम, एक्चुअल में पास्कल ट्रायंगल तो का तोड़ निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम बनाई गई थी, पास्कल ट्रायंगल शो कर रहा था, लेकिन पास्कल ट्रायंगल क्यों फेल हुआ था उसका रीजन ये था कि आपको याद रखना पड़ रहा था उसका जस्ट लास्ट स्टेप, वरना आप पास्कल थ्योरम में आगे नहीं बढ़ पाते थे पास्कल ट्रायंगल में, वो फेल हुआ था तभी तो बाइनोमियल थ्योरम को लाना पड़ा। ओके सर। सर बाइनोमियल में तो पीएनसी भी लगता है। किसमें? सर बाइनोमियल में पीएनसी भी लगता है ना? पीएनसी को आप ऐसे नहीं कह सकते बाइनोमियल में लगता है, पीएनसी बेसिकली देखो एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम का जो कोफिशिएंट वाली चीज होती है ना एनसीआर, उसका यूज करते हैं हम पीएनसी में, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ऐसे तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी में भी यूज होती है और प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल थ्योरम भी यूज होती है, तो मैथ ऐसी है सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सर हाँ बोलो सर, जो कल रात को सर मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो सर वो आज जो हमने पढ़ा सर उससे सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा? कल रात को आपने जो एक क्वेश्चन दिया
उस नहीं 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 हो पाएगा, क्योंकि आज उतना ही हो पाया, मुझे लग रहा था कि इससे हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यहाँ पर, सुनो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, अगर सुनना जरा ध्यान से, अगर तुम्हारे पास जब लीनियर इक्वेशन थी बच्चों, ध्यान से सुनना, ए एक्स प्लस में बी इक्वल्स टू में जीरो, ठीक है। अब तुम इसे क्या लिख सकते थे, माइनस बी बाय ए लिख सकते थे बच्चों, यानी कि तुम इसे क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस में बी बाय ए ऐसे जीरो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बताओ। यस सर, लिख सकते हो। यानी कि इस तरीके से एक फैक्टर हो गया, यानी कि अगर ऐसी एक तस्वीर बनी तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये लीनियर होगा, अगर सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर आ रहा है तो। यस सर, समझे। अब लेकिन बच्चों एक मजेदार चीज बताता हूँ, देखो तुम्हारे पास अगर ऐसा आ गया x प्लस ए और x प्लस बी, ये अब ऐसी दो फोटो बन गई, क्वाड्रेटिक। अब सुनो जरा यहाँ पर, तो अगर ये क्वाड्रेटिक हो सकती है बच्चों, तो इसका मतलब ये देखो कैसे बन रही है, तुम खुद से समझना। यहाँ पर x की एक वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का ए, और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस का बी आ रही है, माइनस का बी है ना। लेकिन मान लो, लेकिन मान लो मैं तुमसे ये कह दूं, मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारे पास x की ना तीन वैल्यू है, ए भी है एक वैल्यू, बी भी है एक वैल्यू, और सी भी है एक वैल्यू। अब मैं तुमसे बोलूं इक्वेशन बनाओ, अब मैं तुमसे बोलूं इक्वेशन बनाओ, तो तुम क्या बोलोगे, यार इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ए भी रख सकता हूँ, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू बी भी रख सकता हूँ, यानी कि x इज इक्वल्स टू बच्चों सी भी रख सकता हूँ। यानी कि अगर इस ए को यहाँ भेज दूं, एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, जीरो। एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, जीरो जीरो। एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चों, जीरो। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इक्वल्स टू में जीरो। तीन आंसर आने का मतलब क्या था बच्चों, कि ये क्यूबिक थी। अब बताओ यहाँ से क्यूबिक बनी कि नहीं बनी, क्या था रूट्स, मतलब एबीसी एबीसी। हाँ हाँ। और सर ये एक्स, मतलब एक्स की दो वैल्यू आने का क्या मतलब होता है, कि अगर जैसे मैं ए रखूंगी तब भी जीरो ही आएगा, बी रखूंगी तब भी जीरो आएगा, क्या करोगे, मतलब जैसे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो एक्स की दो वैल्यू आने का मतलब है कि अगर मैं x की जगह पे माइनस ए ही रख दूंगी दोनों जगह तब भी जीरो ही आएगा, और अगर x की जगह पे माइनस भी रखूंगी तब भी जीरो ही आएगा। अगर आप x की जगह पर a रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये इसका एक रूट हो गया ना, इसका मतलब एक इसका रूट हो गया, तो रूट का मतलब क्या होता है, x की जगह पे एक बार रखा, देखो यहाँ पर a रख दो तो ये जीरो बन जाएगा, और इसके जीरो बनने का मतलब क्या, यहाँ कुछ भी बनाए रखो ये सब क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये ए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, इसके इक्वल टू जीरो बना दे रहा है ना, मतलब तो इस इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन हो गए ना, तीन सॉल्यूशन हो गए। हाँ बिल्कुल, चाहे यहाँ तो ए रख दो, चाहे बी रख दो, चाहे सी रख दो, आंसर जीरो ही आएगा। ओके सर। सिमिलरली अभी जब मेरे ख्याल जब लास्ट जो कल मेरे ख्याल क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा था, क्या था एक बार दोबारा से कोई बता सकता है मुझे, मैं एक बार ग्रुप ओपन करता हूँ, रुको। सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सर मैं बताऊं, हाँ बताऊं सर, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3। ओके ओके ओके, मिल गया मुझे, क्वेश्चन मिल गया। तो यानी कि इन्होंने पूछा है कि 3x की पावर 4, ठीक है, प्लस में 6x का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि एक रूट तो वो बता रहे हैं, यानी कि एक एक्स की वैल्यू क्या बता रहे हैं, वो अंडर रूट में 5 है। क्या है सर, माइनस 10x, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस अंडर रूट में 5/3, यानी कि एक तो ये जवाब है और एक ये जवाब है। अब वो बोल रहे हैं कि तुम एक्स की बाकी की दो वैल्यू बताओ, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, सुनना जरा ध्यान से, तुम लोगों ने अभी तक सिर्फ ये सीखा है कि लीनियर वैल्यू को कैसे आंसर निकालते हैं, और क्वाड्रेटिक का यही सिखाया मैंने अभी तुम्हें, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो कैसे आंसर निकालना है, और है ना। तो अब तुम यहाँ से पता क्या कर सकते हो, देखो इसको इधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस में अंडर रूट में 5/3 हो जाएगा। यस यस सर, अगर तुम इधर फेंकोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज ये हो जाएगी। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों,
तो होगा क्या? तो यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव बाई थ्री बनेगी नहीं बनेगी? यस सर, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसे ऐसे लिख सकते हो? इस वाली इक्वेशन का फैक्टर हुआ नहीं हुआ? यस सर होगा, यस सर होगा, यस सर। यहाँ पर तो यहाँ पर चार रहे होंगे, यहाँ पर क्या रहे होंगे? चार रहे होंगे। एक मिनट रुक जाइए सर, बस जा रहा हूँ, ठीक है सर, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, ठीक है। तो बच्चों देखो, मान लो ये दो आपको पता है, एक मिनट रुको, बस कंफर्म करके चल रहा हूँ, ये दो मुझे पता है। तो अब मुझे इन दो के बारे में पता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इन दो से इस पूरे वाले को डिवाइड कर दूंगा तो यही दो बचेंगे, नहीं बचेंगे? जैसे मान लो कि इसके डिवाइड में मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस ए और x माइनस बी लिख देता हूँ, तो इमेजिन करो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना? यही बचेगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक से इस पावर फोर को डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये निकल जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, मैंने बोला था कि आज हो जाएगा, लेकिन सर मुझे एक चीज, सर एक चीज बतानी है बस। बोलो सर, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आपने कौन सा क्वेश्चन? तुमने प्राइवेट जो क्वेश्चन भेजा था मुझे, सर टेलीग्राम पे भेज रखा है, पिन कर रखा है। कर दूंगा, अभी कर दूंगा, आज रात को करूंगा सबके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? आज सर्कल आज दिन भर यार डॉक्टर के यहाँ पे था। हाँ सर, कल टेस्ट है क्या? कल तो टेस्ट है तुम्हारा, पॉलिनोमियल का टेस्ट है, लेकिन वन भी आएगा सर, इतना नहीं आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा, सिंपल में हो जाएगा सर। रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स नहीं आएगा बिल्कुल भी। अभी मैंने पॉलिनोमियल का ही दिया है, पॉलिनोमियल का ही दिया है, जितना पढ़ाया उतना ही दिया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहेगा तो देखते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है सर। मैंने एक मिनट और एक बात और बता दूं, इस वाले पोर्शन को ना ज्यादा बच्चे दिमाग में ना लें, ठीक है ना? जिनकी अभी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाई है वो क्वेरी अगली वाली क्लास में हो जाएगी, क्योंकि अगली वाली क्लास में डिवीजन वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों को आ गया है, तो डिवीजन वाला जो है वो खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, तो वहां से क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल जो है ना वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, तो तुम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, तुम लोगों ने जो ऐप में लॉग इन कर रखा है, अपने फोन नंबर से कर रखा है? यस सर। नो सर, नो सर, सर आईडी दी गई थी, आईडी दी गई थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आईडी दूसरे कर रहा था। दूसरे काम से यूज था मुझे उसका, ठीक है बच्चों, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, बाय सर, दोनों पिन मैसेज बता देना सर। हाँ बता दूंगा, बता दूंगा भाई, बता दूंगा, बाय बाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, थैंक यू, बाय एवरीवन।